गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू एन अकेडमी, वेलकम टू द क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल। प्लीज कंफर्म माय वॉइस, प्लीज कंफर्म माय वीडियो वंस। लेट मी चेक द वॉइस। गुड इवनिंग, इज द वॉइस ऑडिबल? Is the video clear? Please confirm everybody, those who are live. Good evening Ayushi, Mohan sir, please share the PDF of revision through formulas in Telegram. Okay, I'll share after the class. Good evening Saddam, good evening Alok. Okay. Chalo, start karte. चलो, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू एन अकेडमी, वेलकम टू द उम्मीद क्रैश कोर्स एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ मेजरमेंट्स, राइट। तो हमने मेजरमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था उम्मीद क्रैश कोर्स में। तो उम्मीद क्रैश कोर्स का आप लोग पर्पस जानते हैं, हम एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में आपके एग्जाम से पहले हमने एक क्रैश कोर्स फॉर्मुलेट किया है, दैट इज उम्मीद क्रैश कोर्स। तो मैंने इसके 5 लेक्चर्स प्लान किए थे, तो आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे, राइट। तो आप लोग 4 लेक्चर्स में आए होंगे आई सपोज, और अगर किसी ने लाइव उसको नहीं भी देखा है, जो मैंने 5 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई है उम्मीद क्रैश कोर्स की मेजरमेंट्स की, तो अगर आप लोगों का मेजरमेंट्स उतना अच्छा कवर नहीं हुआ है तो आप ये 5 लेक्चर्स अपने एग्जाम से पहले देख लीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, राइट। सो टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ उम्मीद क्रैश कोर्स ऑन मेजरमेंट्स एंड वी वुड बी कवरिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑन मेजरमेंट्स, राइट। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ मेजरमेंट्स। सो इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज रमन कपूर, आई हैव मोर देन 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मोर देन 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आई टीच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, नेटवर्क थियरी, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मैथमेटिक्स, एंड आई डील विद ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। और इससे रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब पे अपनी मिक्स्ड क्वेश्चंस सीरीज भी ली थी, जो सुबह 8 AM रन होती थी उम्मीद क्रैश कोर्स से पहले। तो आई होप कि आप लोगों ने उससे भी बेनिफिट किया होगा। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट 22 और 23 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सही टाइम है इस समय प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप RK227 कोड अप्लाई करें एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन अनअकेडमी प्लस, राइट। दैट इज फॉर गेट 22 एंड 23, बट पीपल हु आर एमिंग फॉर गेट 21, प्लीज फोकस ऑन द यूट्यूब लेक्चर्स दैट आर रनिंग ऑन द क्रिएट्रिक्स चैनल एंड द स्पेशल क्लासेस दैट फैकल्टीज आर टेकिंग, राइट। ये अनअकेडमी प्लस के एडवांटेजेस हैं उन लोगों के लिए जो गेट 22 और 23 के लिए अब एनरोल करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये परफेक्ट टाइम है। तो दीज आर दी एडवांटेजेस जो आपको यूट्यूब के अलावा मिलती हैं अनअकेडमी प्लस पे, दैट इज लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट्स, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, एंड ऑल दीज एडवांटेजेस आर देयर इन अनअकेडमी आइकॉनिक एज वेल। लेकिन आइकॉनिक में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दैट इज 1-on-1 गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, राइट। इसके अलावा जो सारी एडवांटेजेस अनअकेडमी आइकॉनिक की भी आपको मिल रही हैं, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होंगी। प्रॉपर स्टडी प्लान, बूस्टर सेशंस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, बट दिस आई कंसिडर एज द मोस्ट एडेड एडवांटेज ऑफ अनअकेडमी आइकॉनिक, कि आपको एक गाइडेंस मिलेगा और आपको एक पाथ पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन थर्ड ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग, वी वुड रिकमेंड अनअकेडमी आइकॉनिक टू यू गाइज, राइट। और इसमें प्राइसेस जो है अनअकेडमी प्लस के वो ये है, 12 months, 18 months और 24 months के। तो आप जब भी इस चीज़ में आप मूड बनाए अपना कि हब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अनअकेडमी प्लस या आइकॉनिक पे, तो आप कूपन कोड मेरा याद रखना RK227 आप अप्लाई करेंगे तो आपको मौका मिलेगा हम लोगों से पढ़ने का और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने का, राइट। एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर अनअकेडमी आइकॉनिक, RK227 इज माई कूपन कोड, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकेडमी, RK_educator मेरा यूजर नेम है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आने वाले प्लस कोर्सेस और जो अभी तक मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं उसका आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा। कई हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आप लोगों के अच्छे कवर ना हुए हों और मैंने उसको अगर कवर किया है स्पेशल क्लास में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड प्लीज रिवाइज नाउ बिकॉज वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट फॉर योर गेट। सो जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको फोकस करिए, अपना रिविजन करिए एंड रिलैक्स रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस फ्रॉम माई साइड, राइट। अच्छा, कल से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है,
फर्स्ट फेब, सेकेंड फेब एंड थर्ड फेब फॉर सिविल इलेक्ट्रिकल ईसी 9:30 AM। एग्जैक्ट गेट फॉर्मेट का आपका टेस्ट सीरीज होगा, तो आप मेरा कोड लगा देना RK227, आपको इसमें एंट्री हो जाएगी और बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं इसमें देख के कि आपका प्रिपरेशन जो भी आपने अभी तक किया है, सो यू कैन जस्ट टेस्ट योर सेल्फ दैट हाउ एंड वेयर आर यू लाइंग इन योर प्रिपरेशन, राइट? ओके, अच्छा, क्रिएट्रिक्स के आज भर अब बस सर, कब तक क्लास लेंगे? कुंदन कुमार कह रहे हैं। कुंदन, आज मेरी तरफ से लास्ट क्लास है उम्मीद क्रैश कोर्स। मैंने तो सिर्फ 5 क्लासेस ली हैं आपके मेजरमेंट्स की, तो इतना तो मिलना चाहिए मेरे को। 5 क्लासेस एंड वी विल कंप्लीट द सिलेबस टुडे। टुडे इज द लास्ट क्लास फ्रॉम माय साइड, 31st, एंड आई विल कवर मेजरमेंट्स, राइट? तो आज की जो क्लास होगी उसके बाद मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा इस वाले लेक्चर का भी, और अभी तक 4 लेक्चर्स मैंने लिए हैं आपके मेजरमेंट्स के, तो उसका आपको PDF मैंने क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, और जो फॉर्मूला सेशन लिया था उसका भी अवेलेबल करवा दूंगा, राइट? चलो यार, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। सो टुडे वी विल कवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन DC पोटेंशियोमीटर, CRO, डिजिटल मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो आज हमारा ये डिस्कशन होगा। ये जो टॉपिक्स हैं इस पे जनरली क्वेश्चंस हो सकता है बहुत ही कम टारगेट किए जा रहे हैं कुछ पिछले सालों में, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाते हैं क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल में जनरली पावर इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एरर्स इंपॉर्टेंट है और ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये वाले टॉपिक्स भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ पता होने चाहिए, राइट? ओके, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। वेलकम ऑल ऑफ यू। DC पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा। DC पोटेंशियोमीटर और स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर इज अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्किंग ऑन बैलेंस कंडीशन फॉर मेजरिंग एन अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विद अ नोन स्टैंडर्ड वोल्टेज। एक नोन स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होता है, उसके रिस्पेक्ट में आप एक अननोन वोल्टेज को फाइंड आउट कर देते हो, राइट? DC पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें लोडिंग इफेक्ट नहीं होता, राइट? क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन पे काम करता है, तो जब आप वैल्यू को मेजर करोगे ना अननोन वोल्टेज को, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर सर्किट होगा वो रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब वहां पर करंट जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन पे ही आप एक अननोन वोल्टेज को फाइंड आउट करोगे। तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर, अगर हमें एक वोल्टेज को ही मेजर करना है तो हम एक वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वोल्टमीटर और डीसी पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है कि डीसी पोटेंशियोमीटर में लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है, और वोल्टमीटर अगर किसी बैटरी की EMF को मेजर करने जाएगा तो वो आपको टर्मिनल वोल्टेज दे देगा, लेकिन डीसी पोटेंशियल विल गिव यू द EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? तो बैटरी का EMF मेजर करने के लिए वी यूज डीसी पोटेंशियोमीटर सर्किट, राइट? तो ये बेसिक सर्किट होता है। बेसिक सर्किट मैंने यहां पर क्यों बनाया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट इस सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कई बार, अदरवाइज जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है, जिसमें ये आपकी VB जो मैं लिख रहा हूं, ये आपकी ड्राइवर बैटरी होती है, ये RS जो है रियोस्टैट, ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका वर्किंग करंट फ्लो करता है प्राइमरी सर्किट में। दिस इज IW एंड अप टिल हेयर दिस इज नोन एज प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, और ये नीचे जो है वो आपका सेकेंडरी सर्किट है। तो हम बेसिकली करते क्या है, एक फास्ट वे में आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हम आपके प्राइमरी सर्किट पे काम करते हैं, तो रियोस्टैट की हेल्प से हम वर्किंग करंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना? तो वर्किंग करंट आपके स्लाइड वायर वाले पोर्शन में फ्लो कर जाता है, और रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को फिक्स करके हम वर्किंग करंट को फ्लो करवाते हैं। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, इस ड्राइवर बैटरी का काम क्या है, इस ड्राइवर बैटरी का काम है इस स्लाइड वायर के ऊपर एक फिक्टिशियस वोल्टेज स्केल को कैलिब्रेट कर देना, राइट? तो जब आप ये काम करते हो तो आपका एक बार वर्किंग करंट फिक्स हो जाता है, और एक बार आप पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज कर दो, पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब यू आर कैलिब्रेटिंग अ फिक्टिशियस वोल्टेज स्केल ऑन द स्लाइड वायर, देन द वर्किंग करंट शुड नॉट चेंज, अदरवाइज आपकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हम सेकेंडरी सर्किट पे काम करते हैं, और एक नॉन स्टैंडर्ड EMF की प्रेजेंस में एक अननोन EMF को निकाल देते हैं, ठीक है ना? जो मैंने बोला है वो मैं यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द वर्किंग करंट सप्लाइड बाय द सप्लाई बैटरी सच दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ स्लाइडिंग वायर मैचेस विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्स, राइट? तो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अगर उसके अकॉर्डिंगली मैं KVL इक्वेशन लिख दूँ, आई कैन राइट VB इज इक्वल टू IW इंटू RH प्लस r इंटू L। अब आप पूछोगे ये स्मॉल r इंटू L क्या है? ये r जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है स्लाइड वायर का, और L आपकी टोटल लेंथ है स्लाइड वायर की, राइट?
फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस। तो एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है तो अब आपकी स्लाइड वायर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एक वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगी। Once the potentiometer is standardized, the working current IW should not change. Otherwise, the settings on the slide wire will change and you will not be able to measure the value accurately. Right? तो ये equation आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ये एक standard potentiometer circuit है। अच्छा सुमन थोड़ा attentively सुनिए आप। ये आपको एक fast forward way में पढ़ाया जा रहा है तो आपको attentively सुनना पड़ेगा नहीं तो miss कर दोगे। ठीक है तो आपकी लेंथ है स्लाइड वायर की कुछ, उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ड्राइवर बैटरी है, रियोस्टैट है और वर्किंग करंट है। तो VB इज इक्वल टू IW इनटू RH प्लस R इनटू L, राइट। सो दिस इज द प्राइमरी सर्किट KVL एंड अकॉर्डिंगली दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, राइट। वंस द पोटेंशियोमीटर इज स्टैंडर्डाइज्ड द वर्किंग करंट शुड नॉट चेंज, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार आपने पोटेंशियोमीटर की स्लाइड वायर को कैलिब्रेट कर दिया, मतलब क्या हुआ है बेसिकली, अब इतना भी डिस्टेंस अगर आप लोगे तो इट विल रिप्रेजेंट सम पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। दिस इज योर ड्राइवर बैटरी, देन यू विल फाइंड द अननोन वोल्टेज। हाउ यू विल फाइंड, कनेक्ट नोन स्टैंडर्ड ईएमएफ वीके एंड स्लाइड द जॉकी ओवर स्लाइड वायर टिल नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर, राइट। सो यू कैन से एट नल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन पे हमें मिलेगा VK is equal to IW fixed है into R into L1. L1 वो लेंथ है, सपोज कहीं यहां पर कहीं लेंथ L1 मिला आपको, जहां पर आपको बैलेंस मिल गया। देखो पॉइंट क्या है समझने वाला, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, सपोज इधर कहीं आपको बैलेंस मिला, इधर ये लेंथ है आपकी, ठीक है ना, सपोज इतनी, ठीक है। तो अब ये जो VK है स्टैंडर्ड सेल, वो इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा, दैट इज आई डब्ल्यू इंटू आर इंटू एल वन। आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्लाइड वायर, एल वन इज द लेंथ एट विच बैलेंस इज ऑब्टेन्ड, आई डब्ल्यू इज द वर्किंग करंट विच इज फिक्स्ड, राइट। देन व्हाट यू विल डू, कनेक्ट अननोन टेस्ट ईएमएफ वीटी ये एंड स्लाइड द जॉकी ओवर द स्लाइड वायर टिल नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, वीटी वर्किंग करंट इज फिक्स्ड, IW into R into L2, कोई लेंथ ऐसी L2 है जिस पे आपको फिर से बैलेंस मिल गया, आप जॉकी को स्लाइड कर रहे हो स्लाइड वायर पे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टर्मिनल वोल्टेज आपका स्लाइड वायर पे जितना वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर हो जाएगा, तो KVL के अकॉर्डिंगली उस लूप में करंट जीरो हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन जीरो हो जाएगा। दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। Therefore, you can say 1 by 2 अगर आप करोगे, so that is equal to VT by VK, that is equal to IW into R into L2 upon IWR L1, that is equal to L2 by L1. Therefore, you can say VT is equal to VK L2 by L1. दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर, कि एक नोन स्टैंडर्ड ई एम एफ है दैट इज वी के, उसके रेफरेंस पे हमने एक अननोन स्टैंडर्ड ई एम एफ को निकाल दिया, राइट। सो दैट इज वी टी इज इक्वल टू वी के इन टू एल टू बाय एल वन, ठीक है, ये क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्किट है, लेकिन अगर आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कई बार आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही दिखे एकदम से, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड सर्किट है जिसमें हमने, जिसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट रेजिस्टेंस, एक वर्किंग करंट है, एक ड्राइवर बैटरी है, वी के है, वी टी है, एल वन है, एल टू है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्किट का डिस्कशन है। लेकिन इफ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर, जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इज एट बैलेंस गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, दैट्स इट। आप लोगों को नेटवर्क सॉल्व करने आते हैं तो आपको पोटेंशियोमीटर सर्किट कैसा भी दिखे, अगर उसने लिखा हुआ है कि द पोटेंशियोमीटर इज एट बैलेंस, इट मींस द डिटेक्टर करंट इज जीरो, गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को जीरो कर देना और जो भी पूछा हुआ है आप निकाल लेना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है, दैट्स इट, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो ये बेसिक स्टडी, ये बेसिक एक फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पता होना चाहिए।
This standard formula Vt is equal to Vk into L2 by L1, and concept is at balance detector current is zero. That's it. ठीक, इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं. A DC potentiometer is designed to measure up to about 2 volts with a slide wire of 300 mm. Sorry, it is 800 mm. A standard cell of EMF 1.18 volts obtains balance at 600 mm. A test cell is seen to obtain balance at 680 mm. What is EMF of the test cell? Option A is 1 volts, option B is 1.34 volts, option C is 1.5 volts, option D is 1.7 volts. I want answers in the live chat. Once the potentiometer is standardized, working current should not change. You can measure an unknown EMF with reference to a known standard EMF. Once the potentiometer is at balance, the detector current is zero. Answers in the live chat. A DC potentiometer is designed to measure up to about 2 volts. ये 2 volts आपकी driver battery नहीं है, ये slide wire की capacity है. Right? With a slide wire of 800 mm. ये आपकी length L है. A standard cell, मतलब VK, of EMF 1.18 volts obtains balance at 600 mm. जो discussion हमारा हुआ है उसके accordingly ये L1 है. A test cell, मतलब VT, is seen to obtain balance at 680 mm, that is L2. What is EMF of the test cell? इसका मतलब क्या हो गया? कि जब आपने VK को connect किया होगा, तो IW into R into L1 मिला होगा आपको, और VT is equal to IW into R into L2 मिला होगा आपको. So VT upon VK is equal to L2 by L1, therefore Vt is equal to Vk L2 by L1, that is equal to 1.18 into what is L2? L2 is 680 upon 600. What is the answer? 1.337. So option B is correct, nearly. Clear हुआ? Answers चाहिए live chat में. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अपना measurements का जब crash course लिया था तब भी पढ़ाई थी. ठीक है ना, तो अभी सिर्फ fast revision हो रहा है आप लोगों का, तो मैं problems पे ही ज़्यादा focus करूँगा. I hope कि ये सब चीजें आपको already पता है, इसलिए मैंने एक fast forward way में बताया. ठीक है, सो 1.34 वोल्ट्स इज करेक्ट. नेक्स्ट, अ वायर पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 11 मीटर्स एंड रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर बैलेंसेस अ स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज ऑफ 1.018 वोल्ट्स एट अ लेंथ ऑफ 10 मीटर 18 सेंटीमीटर्स. इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी सप्लाइंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर इज 2 वोल्ट्स, देन द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर इज 9 ohms, 90 ohms, 900 ohms, 990 ohms. First, wire potentiometer of length 11 meters. मतलब ये slide wire की length है, और ये slide wire का resistance per unit length है R. ठीक है ना, जो हमने नोटेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है. बैलेंसेस अ स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज ऑफ दिस, सपोज ये हमारा वी के है, एट अ लेंथ ऑफ दिस, तो ये हमारा एल वन है. ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी सप्लाइंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर इज 2 वोल्ट्स, ये कौन सी बैटरी है? ये आपकी ड्राइवर बैटरी है वी बी. देन द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, पूछ क्या रहा है वो आपसे? रियोस्टैट का रेजिस्टेंस. रियोस्टैट का एक रेजिस्टेंस होता है जो ड्राइवर बैटरी के साथ सीरीज में होता है, उसको वेरी करके हम पोटेंशियोमीटर सर्किट में वर्किंग करंट को फिक्स करते हैं या वर्किंग करंट को चेंज करते हैं.
तो वर्किंग करंट जब आप स्लाइड वायर में फ्लो करवाते हो तो आई डब्ल्यू इंटू आर इंटू एल की वजह से पोटेंशियोमीटर की स्लाइड वायर के ऊपर एक फिक्टिशियस वोल्टेज स्केल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप सेकेंडरी सर्किट पर काम करते हो तो आप जॉकी को स्लाइड करते रहते हो, तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आता है जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो स्लाइड वायर में वोल्टेज के बराबर हो जाती है, आपका कंडीशन बैलेंस वाली आ जाती है, नल डिटेक्शन मिल जाता है आपको गैल्वेनोमीटर में। दिस इज हाउ पोटेंशियोमीटर वर्क्स। मैंने एक बार फिर से क्लियर कर दिया उन लोगों के लिए जिनको नहीं हुआ था क्लियर, ठीक है ना। सो दे आर आस्किंग द रियोस्टैट रेजिस्टेंस। सो यू कैन से फ्रॉम प्राइमरी सर्किट जो पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्किट का जो प्राइमरी सर्किट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें केवीएल इक्वेशन पता है, वी बी इज इक्वल टू आई डब्ल्यू इंटू रियोस्टैट रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइड वायर दैट इज आर इंटू एल, ये पता है हमें। और यहां पर एक स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज लिया है जो सेकेंडरी सर्किट में होगा, और सेकेंडरी सर्किट में आपने क्या किया है वी के इज इक्वल टू वर्किंग करंट फिक्स्ड है आर इंटू एल वन, ठीक है। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो, देयर फोर यू कैन से 1.018 इज इक्वल टू आई डब्ल्यू इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है दैट इज वन, एंड वॉट इज एल वन दिस इज 10.18, 10 मीटर 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वर्किंग करंट मिल जाएगा आपको, सो दैट इज इक्वल टू 1.018 अपॉन 10.18, दिस इज 0.1 एम्पीयर्स, ठीक है ना। ये स्लाइड वायर पोटेंशियल मीटर है, इसकी जो लेंथ है स्लाइड वायर की वो 11 मीटर्स है। तो आप ये मत समझना कि एक बहुत लंबी सी वायर है, ये इस तरीके से अरेंज होती है लाइक दिस, 11 मीटर्स ऐसे पूरा किया होगा उसने, ठीक है ना। ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं बीच में ऐसे ऐसे, तो यहां पर आप ऐसे जॉकी को स्लाइड करते हो, ठीक है। तो वर्किंग करंट निकाल दिया आपने, आपको निकालना क्या है रियोस्टैट रेजिस्टेंस आर एच, तो यहां से निकाल दोगे। देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू आई डब्ल्यू आर एच प्लस आर इंटू एल, देयरफॉर टू इज इक्वल टू 0.1 आर एच 1 into 11, therefore rheostat resistance is 2 upon 0.1 minus 11, so that is 20 minus 11, that is equal to 9 ohms, clear। so option A आपका सही है। इसका मतलब क्या है कि आप primary circuit पर जब आप काम कर रहे थे तो आपने rheostat की resistance को 9 ohm पे set किया और 0.1 एम्पेयर्स का वर्किंग करंट फिक्स कर दिया। अब हम इसी वर्किंग करंट पे थ्रू आउट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसने स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट किया, जॉकी को वेरी किया और 10.18 मीटर्स पे उसको बैलेंस मिल गया। दिस इज द मीनिंग एक्चुअली, क्लियर। नेक्स्ट, अ 4 kilo ohms 0.02 watts potentiometer is used in the circuit shown below. The minimum value of the resistance RS in order to protect the potentiometer is. The options are 2.23 kilo ohms, 2.71 kilo ohms, 3.82 kilo ohms, 8.92 kilo ohms. Come on. I need answers in the live chat. A 4 kilo ohm 0.02 watt potentiometer, ठीक है ना, ये है potentiometer का पूरा resistance RP, ठीक है ना। तो इस potentiometer की जो slide wire होती है उसको एक resistance की form में उन्होंने दे रखा है, खाली सिर्फ general form में solve करना है आपको। The minimum value of the resistance RS in order to protect the potentiometer. प्रोटेक्ट दी पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है कि ये जो रेटिंग दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर की स्लाइड वायर का या फिर रेजिस्टेंस का, दैट इज रेटिंग, इसके ज्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं करना चाहिए, रेटिंग ऑफ आरपी, प्रोटेक्ट दी पोटेंशियोमीटर।
I max allowable. What is the minimum value of resistance RS? सिंपल नेटवर्क्स है और कुछ नहीं, तो आप यहां से कह सकते हो कि 15 इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर पी प्लस आर एस सिंपली. तो आई मैक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन आर पी प्लस आर एस. ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, आर एस की जब मिनिमम वैल्यू आप लोगे इसका मतलब आप मैक्सिमम अलाउएबल करंट है वो फ्लो करवा सकते हैं और वो आपको पोटेंशियोमीटर की रेटिंग से मिल जाएगा. तो यू कैन सिंपली से देयरफॉर पावर इज आई मैक्स स्क्वायर आर पी, राइट, दैट इज आई मैक्स इज अंडर रूट पी बाय आर पी, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 0.02 अपॉन 4000. ये मैक्सिमम करंट इस आरपी वाला रेजिस्टर, आरपी रेजिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि आपका पोटेंशियोमीटर है, इससे ज्यादा फ्लो नहीं करना चाहिए इसमें. तो ये वैल्यू निकाल दो, 2.23 इंटू 10 to the power -3, राइट. सो नाउ यू कैन फाइंड आर एस. Therefore, 15 is equal to I max RP plus RS. Therefore, RS is equal to 15 upon 2.23 into 10 to the power minus 3 minus RP. So that is equal to 6726.45 minus what is RP? 4000. That is 2726.45 ohms. So that is 2.72 kilo ohms nearly. So option B is right. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जनरल नेटवर्क्स की नॉलेज से पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. इसमें कुछ और कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अब देखो ना, इस पोटेंशियोमीटर सर्किट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. यहाँ देखो एरो को उसने ऐसे रखा हुआ है, ये आपका जॉकी मान लो आप इसको, ठीक है ना. आप इसको स्लाइड करते करते आओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वी नॉट पोटेंशियल इधर किसी पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, सो दिस पर्टिकुलर करंट वुड बी ज़ीरो, ठीक है ना. दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट, ठीक है ना. तो आपको सिर्फ नेटवर्क्स की हेल्प से सॉल्व करना है. 2.71 किलो ओम्स इज करेक्ट, एब्सोल्युटली गुड. नेक्स्ट, यू कैन सी अ सर्किट हियर, जैसा सर्किट पिछला था उसकी तरीके का ही सर्किट है. ये 200 ओम का रेजिस्टर है, ये 3.2 वोल्ट्स का बैटरी है, 200 ओम्स, 2800 ओम्स. यू कैन सी द स्प्लिट ऑफ द रेजिस्टर, ये EX है, ये RG है, ये 200 ohms है. If RG is equal to 100 ohms and the potentiometer shown is at balance, what is the value of this EX? Find out. If RG is 100 ohms and the potentiometer shown is at balance, then what is EX? अभी आपको concept बताया था. वंस द पोटेंशियोमीटर इज एट बैलेंस इट मींस डिटेक्टर करंट इज जीरो. जहां पर भी आपको दिखे कि पोटेंशियोमीटर सर्किट बैलेंस पे है, इसका मतलब जिस भी लाइन में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उस करंट को जीरो कर देना और बाकी जो पूछा है निकाल दो नेटवर्क से. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियोमीटर इज एट बैलेंस, इट मींस दिस करंट इज जीरो एम्पेयर्स, क्योंकि ये डिटेक्टर लगा हुआ है. मतलब इसका मतलब इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि सारा करंट ऐसे निकल रहा है, ठीक है. तो ये वाला करंट आप निकाल सकते हो प्राइमरी सर्किट का KVL लगा के. देयरफॉर
from primary circuit, you can simply say what. Let me suppose this current is IW, working current hi. Therefore, you can say IW is 3.2 upon 200 plus 200 plus 2800. So this is 3.2 upon 3200. So that is equal to, what is that? Okay, that is 1 milliampere. Sorry, 1 milliampere. ठीक है. अब देखो, मैं आपको जनरल वे बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो ये 1 milliampere आ गया बेसिकली. मैंने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्या है पोटेंशियोमीटर का, कि जिस भी लाइन में आपका डिटेक्टर लगा हुआ है उस करंट को जीरो कर दो बस. ठीक है ना, दैट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो ये 0 amperes हो गया बेसिकली, ये पूरा करंट निकल गया. अब अगर मैं इस लूप में KVL लगा भी दूं तो आपको अल्टीमेटली सिर्फ ये वाला ड्रॉप मिल जाएगा. देखो ध्यान से, ठीक है ना. सपोज आई अप्लाई KVL इन दी सेकेंडरी सर्किट, तो फ्रॉम सेकेंडरी सर्किट कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है ना, तो आप कह सकते हो सिंपली, अगर मैं ऐसे लगा दूं, सो दिस इज माइनस ईएक्स. सपोज आई से दिस करंट इज आईजी, दो इट इज 0 amperes, राइट. सो दिस इज माइनस आईजी आरजी माइनस 200 आईजी, राइट, प्लस 200 ये आईडब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. और आपको पता है कि आपका पोटेंशियोमीटर बैलेंस पे है, तो ये आई जी जीरो है, तो ये खत्म, ये खत्म. देयरफॉर यू कैन से 200 IW इज इक्वल टू EX. देयरफॉर EX इज इक्वल टू 200 इनटू 1 milliampere, सो दैट इज 200 millivolts. और यू कैन सिंपली से इट इज 0.2 volts. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पोटेंशियोमीटर में, राइट. द डिटेक्टर करंट इज जीरो एट पोटेंशियोमीटर बैलेंस, दैट्स इट, जस्ट अप्लाई नेटवर्क एनालिसिस एंड सॉल्व. तो यही किया मैंने, प्राइमरी सर्किट में फ्लो कर जाएगा सारा करंट, तो उसको मैंने वर्किंग करंट बोल दिया. आप उसको I1, I2, I0 जो बोलना चाहते हो बोल दो, वो करंट निकाल दो, दैट इज 1 milliampere. सेकेंडरी सर्किट में KVL लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको डायरेक्टली पता चल रहा था EX इज इक्वल टू ड्रॉप इन दी 200 ओम रेजिस्टर, क्योंकि जॉकी की पोजिशन वहां पर है. ठीक है, that is 200 millivolts. So the correct answer is 0.2 volts. That is correct. Is it clear to everybody? ठीक है, तो आप generally कोई भी potentiometer का circuit solve कर सकते हैं ऐसे, अगर आपकी networks की knowledge अच्छी है तो. ठीक है, standard potentiometer circuit पता होना चाहिए और basic concept पता होना चाहिए बस. कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं सीआरओ के ऊपर, राइट. सो एक फास्ट फॉरवर्ड डिस्कशन सीआरओ पे भी करेंगे. पॉइंट्स टू रिमेंबर इन सीआरओ डिस्प्ले. सीआरओ वर्क्स इन टू मोड्स नोन एज वाईटी मोड और स्वीप मोड और इमेज प्लॉटिंग मोड. अगर आप सीआरओ को वाईटी मोड में ट्रिगर करते हो तो जो सिग्नल आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स यानी वाई प्लेट्स पे लगाते हो वही आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है, राइट. स्वीप मोड का मतलब ये है कि व्हेन यू ट्रिगर द सीआरओ इन वाईटी मोड एन इंटरनली जनरेटेड स्वीप सिग्नल इज जनरेटेड विच डिवाइड्स द एक्स एक्सिस इन टाइम. सो यू ऑब्जर्व वाईटी ग्राफ बेसिकली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे अननोन सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आप प्लॉट जो आपको दिखता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इमेज प्लॉटिंग मोड. इसके अलावा जो क्वेश्चंस जनरली आपको आएंगे वो आएंगे YX मोड पे. CRO also works in YX मोड known as pattern generation mode, right? तो आप दो इनपुट्स अप्लाई करोगे इसमें एंड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द टू इनपुट्स एंड बेस्ड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज इनपुट्स यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन. उस पैटर्न को देखकर आप फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड सिग्नल्स एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो बिटवीन द अप्लाइड सिग्नल्स निकाल सकते हो. ठीक है ना, दिस इज पैटर्न जनरेशन मोड. YT मोड और स्वीप मोड और इमेज प्लॉटिंग मोड
टेस्ट सिग्नल वाई जो आपको अननोन सिग्नल है, यू विल गेट अ वाई टी डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरनली जनरेटेड स्वीप सिग्नल, एक रैंप वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो टाइम एक्सेस कैलिब्रेट कर देती है, राइट right? तो उस पर डिटेल में अभी नहीं जाना है, सिर्फ थोड़ा बेसिक्स. क्वांटिटीज मेजर्ड फ्रॉम वाई टी मोड इन अ सी आर ओ दैट इज पीक टू पीक वोल्टेज, आर एम एस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, राइट. तो जो भी सिग्नल आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे अप्लाई किया है, सपोज वो एक साइनोसाइडल सिग्नल है वी एम साइन ओमेगा टी की फॉर्म का, तो वी एम साइन ओमेगा टी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है ना. आपको सी आर ओ की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिविजन्स पता होंगी कि डिविजन्स कैसे सेट कर रखी हैं आपने, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पीक टू पीक एम्पलीट्यूड देख सकते हो. अगर आपको उस पर्टिकुलर वेव का फॉर्म पता है तो आर एम एस निकल जाएगा, उसी से एवरेज भी निकल जाएगा. आपको एक्स एक्सिस की सेटिंग्स पता है तो वहां से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता चल जाएंगी. दिस इज वाई टी मोड. उसी के अलावा आपका जो सी आर ओ का दूसरा मोड है दैट इज नोन एज एक्स वाई डिस्प्ले और वाई एक्स मोड. इसमें आपका एक अननोन सिग्नल है y और एक एक्सटर्नली अप्लाइड नोन सिग्नल है. ये सारी चीजें आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हो सीआरओ के, ठीक है ना. आपने लैब्स में देखा होगा एक्सटर्नली अप्लाइड नोन सिग्नल. एक्सटर्नली अप्लाइड नोन सिग्नल का मतलब कि इस नोन सिग्नल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपको वाई टी मोड से पता है और अब आप वाई एक्स मोड पर काम कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज अ पैटर्न जनरेशन मोड एंड बेस्ड अपॉन द इनपुट्स you can measure phase difference between the two signals and frequency ratio of the two signals, right? In YX mode of CRO. ठीक है. Lissajous patterns on CRO screen. Lissajous patterns are formed when two sinusoidal waves are applied simultaneously to the vertical and horizontal deflecting plates of CRO in YX mode. अगर YX mode पे जो मैं बात कर रहा था, अगर वो दोनों input sinusoidal हो गए, तो जो pattern आपको screen पे दिखेगा, उसको Lissajous pattern बोलते हैं. And the shape of the Lissajous pattern depends on amplitude, phase difference and frequency ratio of the two waves. ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है वो. इस पे क्वेश्चन आते हैं आपको. केस वन, आप वाई एक्स मोड पे काम कर रहे हो, मतलब एक एक्सटर्नली अप्लाइड नोन सिग्नल है और एक अननोन सिग्नल है आपका वाई, ठीक है. तो फाइंडिंग फेज डिफरेंस फाई. तो आपको मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्क्रीन पे पैटर्न दिखेगा. Vx is equal to Vm sin omega t and Vm sin omega t plus phi, making sure that the frequencies are same. और यहाँ पर हमने magnitudes भी same लिए हैं, ठीक है ना. तो जब आप yx mode पे इस तरीके से operate करोगे with same frequency inputs, तो आपको screen पे pattern दिखता है. उस pattern को देख के आप phase difference को judge कर सकते हो, ठीक है ना. तो ये एक important study है CRO को लेके. ये आपको remember करने हैं पांच patterns. ये मैंने formula session में भी बताया था कि आपने सी आर ओ को वाई एक्स मोड में ट्रिगर किया, ठीक है ना, एक्स वाई मोड पे, एक्सटर्नली अप्लाइड नोन सिग्नल एंड अननोन सिग्नल पे, तो यू ऑब्जर्व पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन. अगर तो आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में इंक्लाइंड, तो इसका मतलब अप्लाइड सिग्नल्स का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो डिग्रीज है. वर्किंग इन वाई एक्स मोड विद सेम फ्रीक्वेंसी इनपुट्स, इफ यू ऑब्जर्व एन एलिप्स with its major axis inclined in first and third quadrants, ध्यान से देख लो इस second वाले pattern को. अगर इस तरीके का pattern आपको दिख रहा है, right? Then the phase difference is 0 degrees to 90 degrees. Sir, formula session PDF नहीं मिल रही है. पंकज, मैं क्लास के बाद आज अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे. अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए हैं, इधर इसको ध्यान से देख लेना. ये इतना पोर्शन x1 है. x1 वो पॉइंट है जहां पर इस पैटर्न ने, इस एलिप्स ने x एक्सिस को कट किया है, और ये x2 है इतना, जहां पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस पे, तो दिस पोर्शन इज x2. अकॉर्डिंगली जहां पर कटिंग मिली आपको y एक्सिस पे, दिस पोर्शन इज y1, this distance from origin basically, and where you draw the tangent, this distance from the origin is y2, right? So please remember this formula. You know that the phase difference is lying between 0 to 90 degrees and phi is sine inverse. और ये formula आप तभी लिख सकते हो अगर applied inputs का जो amplitude है वो same है. Sine inverse y1 by y2. सिर्फ पांच पैटर्न आपको रिमेंबर करने हैं, उसके अलावा कोई पैटर्न रिमेंबर नहीं करना है, बाकी इसी से निकल जाते हैं, ठीक है. फाइव साइन इनवर्स एक्स वन बाई एक्स टू,
equal to sine inverse y1 by y2, making sure that the amplitudes of the applied inputs are same. वही condition ली है मैंने. अब देखो इसको यहां से. If you observe a circle or a straight ellipse on the screen, it means the phase difference is 90 degrees. अब यहां पर देखो tangent का भी distance origin से x1 आएगा और cutting का भी x1 आएगा. तो sine inverse 1 तो 90 degrees होता है, ठीक है ना? So that is phi is equal to 90 degrees. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि 0 से 180 डिग्रीज में जितने भी पैटर्न हमें दिखते हैं उनका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होता है. दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना? प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, अगेन यू आर ट्रिगरिंग द सीआरओ इन वाईएक्स मोड in pattern generation mode, and if you observe an ellipse whose major axis is inclined in second and fourth quadrants, then you can make sure that the phase difference is lying between 90 degrees and 180 degrees, right? This is x1, this is x2, this is y1, and this is white, right? तो phase difference कैसे निकाल दोगे आप? That is 180 degrees minus, ये कुछ important और scoring points हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए. That is 180 degrees minus sine inverse y1 by y2, right? Please remember this. If you observe a straight line which is inclined in second and fourth quadrants like this, make sure that the phase difference between the applied inputs is 180 degrees, ठीक है? और ये बताने की जरूरत नहीं है कि 0 से 180 डिग्री में आप जितने भी पैटर्न देखोगे उनका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है. क्लियर? ये पांच पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए वाई एक्स मोड पे व्हेन यू आर फाइंडिंग द फेज डिफरेंस, ठीक है? तो एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको, ये पांच पैटर्न आपको पता होना चाहिए. इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि पैटर्न को देख के फेज डिफरेंस बताएंगे, ठीक है ना? अगर ऐसा एलिप्स आपके सामने आ जाएगा तो आप बोल दोगे 90 से 180 डिग्री के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है? इसकी ऑपोजिट स्टडी भी आपको आनी चाहिए जो मैंने करवाई थी अपने मेजरमेंट्स के क्रैश कोर्स में. वहां पर आप इक्वल डिविजन्स को स्प्लिट करते हो और पैटर्न को ट्रेस कर देते हो. ये सारे पैटर्न भी वहीं से निकले हैं, ठीक है ना? मेक श्योर दैट यू डिवाइड इक्वल डिविजन्स एंड देन यू कैन स्केच द पैटर्न अकॉर्डिंगली, राइट? ओके, तो जो हमने कॉन्क्लूड में जनरली आपको क्वेश्चन इसी पे पूछा जाएगा कि आपको पैटर्न देख के बताना होगा कि फेज डिफरेंस क्या है. कॉन्क्लूजन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ द पैटर्न इज क्लॉकवाइज फॉर फेज डिफरेंस बिटवीन 0 टू 180 डिग्रीज. सर्कुलेशन ऑफ द पैटर्न इज काउंटर क्लॉकवाइज फॉर एंगल्स 180 डिग्री टू 360 डिग्रीज, ठीक है? तो 180 डिग्री से 360 डिग्री की अगर रेंज होगी तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा. ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कहाँ से आता है? जब आप डिविजन्स को स्प्लिट करते हो और जहां से डिविजन्स को स्टार्ट करते हो और एंड डिविजन तक जहां तक जाते हो तो कैसा सर्कुलेशन आता है वहां से पता चलता है कि क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है. शेप ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट? आपको सिर्फ पांच पैटर्न्स रिमेंबर करने हैं, उससे ज्यादा रिमेंबर नहीं करने अब, ठीक है? इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये मैं अपने फॉर्मूला सेशन में भी बता चुका हूँ. इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आप पैटर्न स्केच करो कैसा दिखेगा लिसाजस पैटर्न साइनोसाइडल इनपुट्स के लिए, अगर आपका जो रेंज है वो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का है, अगर आपका इनपुट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो इस रेंज का है तो पैटर्न कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इसका सर्कुलेशन काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, और दूसरा इसकी जो शेप होगी वो इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा. That is phi clockwise, I will calculate, that is 360 degrees minus 360 degrees, and this is 360 degrees minus 270 degrees. इसका मतलब क्या है कि 270 से 360 degree के phase difference का जो orientation है वो counter clockwise है, और उसकी जो shape है वो exactly same है जो आपको clockwise में 0 से 90 degree के बीच में मिलती है. और 0 से 90 वाली मैंने आपको बोला कि आपको रिमेंबर करना है,
That was the ellipse whose major axis was inclined in first and third quadrants. ऐसा ठीक है, तो आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा. एंड वॉट इज द ओरिएंटेशन? दिस. ठीक है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन विद द सेम शेप इज 0 to 90. एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन विद द सेम शेप इज 270 to 360. क्लियर? These are some small concepts which should be remembered for your exam which you have to give on 7th, right? तो ये कुछ short concepts हैं जो आपको पता होने चाहिए. Clear है? तो आप 360 degree से minus करके निकाल सकते हैं. उसी तरीके से 180 से 270 वाला निकाल सकते हो. 180 से 270 वाले का मतलब क्या होगा? काउंटर क्लॉकवाइज ऑरियंटेशन होगा और उसकी शेप सेम होगी जो आपको 90 से 180 डिग्री के बीच में मिलती है. ठीक है ना? यू विल गेट एन एलिप्स whose major axis is inclined in second and fourth quadrants. ये एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में इंक्लाइंड है. ठीक ना? लाइक दिस. क्लियर इनफ? ओके, दैट्स नाइस. दूसरा केस इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको. फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी रेशियो. अगर आपके इनपुट्स कुछ इस फॉर्म में है, वी एक्स इज इक्वल टू वी एम एक्स साइन ओमेगा एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू वी एम वाई साइन ओमेगा वाई टी, एंड ओमेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू ओमेगा वाई, देन यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी रेशियो. इसका मतलब क्या है कि आपने साइनोसाइडल इनपुट्स वाई एक्स मोड पे अप्लाई करे हैं और उसके बेस पे आपको एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे. ठीक है? ओके, सो यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेशियो. अगर इन इंडिविजुअल इनपुट्स में कुछ फेज डिफरेंस भी है ना, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है जो अभी हम लिखेंगे. ठीक है? फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी रेशियो. द रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट. एफ वाई बाई एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज. इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टचेस टॉप और बॉटम. यू विल चूज अ टेंजेंट एंड यू विल चूज आइदर टॉप और बॉटम अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्टिकल टेंजेंट टचेस आइदर ऑफ द साइड्स. यू विल चूज आइदर ऑफ द साइड्स. बट आई रिकमेंड दैट यू यूज ओनली दिस फॉर्मूला टू फाइंड योर आंसर्स. एफ वाई बाई एफ एक्स, आपने दो ऐसे इनपुट्स अप्लाई करे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, तो आपको फ्रीक्वेंसी रेशियो देखने को मिल सकता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द पैटर्न अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ वर्टिकल लाइन विद द पैटर्न. ठीक है ना? आप एक ऐसी लाइन चूज करेंगे जो पैटर्न्स को मैक्सिमम टाइम कट करें, इंटरसेक्ट करें, तो वहां से फ्रीक्वेंसी रेशियो आप निकाल सकते हैं. ठीक है कि नहीं? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत देर से आपको लगा क्वेश्चन निकल आया. चलो इसको करिए. In an oscilloscope, two Lesage's figures X and Y are observed. This indicates that ratio of vertical input signal frequency to that of horizontal input frequency R. You can see the options. What can you say about the answer? Solve करिए. तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं. एफ वाई बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस अपॉन मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शंस. ठीक है? चलो पहले पैटर्न एक्स के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है? तो मैं एक ऐसी लाइन चूज करूंगा, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करूंगा जो इस पैटर्न को मैक्सिमम टाइम इंटरसेक्ट करे. ठीक है? तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती. सपोज इधर ऐसे. सो हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आई गेट? 1 2 3 4 5 6. क्लियर? अकॉर्डिंगली आई विल चूज अ वर्टिकल लाइन विच कट्स और इंटरसेक्ट्स दिस पैटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो ऐसे ले लेता हूं मैं इसको, ऐसे. दैट इज 1 2 3 4. ठीक है? तो क्या आ गया यहां से? एफ वाई बाई एफ एक्स, यही निकालना है आपको. रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 6/4. That is equal to 3/2. Clear enough? चलो ये clear हो गया. आप दूसरा देख लो. X Y pattern. Horizontal intersections maximum.
1, 2, 3. Vertical. 1, 2. Clear? So Fy by Fx is equal to 3/2. दोनों में 3/2 है, ऑप्शन डी सही है आपका. ठीक है, सो इट इज 3/2 फॉर एक्स एंड 3/2 फॉर वाई. ठीक है, तो आप देखो यार, अगर आपको पैटर्न वाई एक्स मोड पे अगर सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपको एलिप्स दिख रहा है या सर्कल दिख रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस मैक्सिमम कितने मिल जाएंगे आपको, 2. वर्टिकल इंटरसेक्शंस मैक्सिमम कितने मिल जाएंगे आपको, 2. तो 2/2 इज इक्वल टू 1. तो आपको ये बात प्रूव हो गई, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, स्ट्रेट एलिप्स हो, वर्टिकल स्ट्रेट एलिप्स हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट एलिप्स हो, ये सब पैटर्न्स आपको एक सीआरओ की स्क्रीन पे तब दिखते हैं जब अप्लाइड इनपुट्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. आप इन पैटर्न्स की देखो जरा हालत, ये जो दिख रहे हैं आपको पैटर्न्स, ये आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं. ठीक है ना, तो यू कैन सिंपली वेरीफाई दैट द फ्रीक्वेंसी रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज 3/2. ठीक है ना, तो क्योंकि अगर सेम फ्रीक्वेंसी में पैटर्न कैसा दिखता है वो तो आपको पता है, वो 5 पैटर्न्स जो बताए थे आप. ठीक है, तो इट इज क्लियर इनफ. नेक्स्ट, अ स्क्रीन पैटर्न ऑसिलोग्राम शोन इन द गिवन फिगर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ साइन वेव सिग्नल ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू द वर्टिकल इनपुट टर्मिनल्स एंड एट द सेम टाइम अ 600 हर्ट्ज साइन वेव वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट टर्मिनल्स ऑफ एन ऑसिलोस्कोप. मतलब वाई एक्स मोड की बात कर रहे हैं वो, और आपको कुछ ऐसा पैटर्न सीआरओ की स्क्रीन पे दिख गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन ए इज 300 हर्ट्ज, ऑप्शन बी इज 400 हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज 600 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज 900 हर्ट्ज. कम ऑन एवरीबॉडी. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस अपॉन मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शंस, दैट इज इक्वल टू एफवाई बाय एफएक्स, दैट्स इट. क्या करेंगे ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस मैक्सिमम देखने हैं आपको, ऐसी लाइन चूज करनी है जो मैक्सिमम इंटरसेक्ट करे, और वर्टिकल ऐसे ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यू कैन से एफ वाई बाय एफ एक्स दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस अपॉन मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शंस. ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस कितने हैं, 4. मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शंस कितने हैं, 6. सो दैट इज इक्वल टू 2/3. तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा होता तो एफ वाई बाई एफ एक्स 2/3 हो जाता, या एफ एक्स बाई एफ वाई 3/2 हो जाता. लेकिन यहां पर क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ वाई पूछा है, देयर फोर एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज. सो ऑप्शन बी इज राइट. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी बताया इसके बारे में मैंने, अब आपको बहुत इजीली से आप इन पैटर्न्स को जज कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू मैच. ये गेट 2004 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ले लिया मैंने, यहां पर आना चाहिए आपको. वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स एम साइन ओमेगा टी, वी वाई इज इक्वल टू वी आई वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपने जो वाई एक्स मोड पे इनपुट्स लगाए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है. तो जब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है तो आपको पता है कि पैटर्न्स कैसे दिखते हैं. और यहाँ पर वी एक्स एम और वी वाई एम, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है. ठीक है ना, जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए थे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न्स थे, जो सेम एम्पलीट्यूड की साइन वेव्स के लिए आपको कैसे पैटर्न दिखते हैं वो बताए थे आपको. अगर एम्पलीट्यूड बाय चांस चेंज भी होता है ना, तो पैटर्न की जो शेप है वो सेम रहती है, उसके क्वाड्रेंट्स भी सेम रहते हैं, लेकिन उसका बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस में एलोंगेशन और कंप्रेशन चेंज हो जाता है. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स एम साइन ओमेगा टी एंड वी वाई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब फेज डिफरेंस 0 है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा लेकिन उसका स्लोप कुछ और होगा.
ठीक है ना, ये सब चीज़ें वेरी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेप ऑफ द लिसाजिस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, वेर एज द पैटर्न्स रिमेन सेम इफ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम। ठीक है, तो मैच कर पाए आप लोग? ये वाला पैटर्न देखो, पहला वाला, ये कब दिखता है आपको? 0 डिग्री पे। ये वाला कब दिखता है? 180 डिग्रीज पे। इसको देखो ध्यान से, ओरिएंटेशन कैसा बना रखा है? क्लॉकवाइज, और मेजर एक्सिस फर्स्ट और थर्ड है, मतलब ये आपको दिखेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। इसको देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट एलिप्स है, ठीक है ना, एक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वाई का कम है, ये एक स्ट्रेट एलिप्स है और काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है। तो कब मिलेगा आपको? शेप 90 डिग्री वाली है लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, तो 360 माइनस 90, इसका मतलब ये आपको मिलेगा 270 डिग्रीज पे। इसको देखो ध्यान से, फिफ्थ पैटर्न को, ये एक स्ट्रेट एलिप्स है, स्ट्रेट एलिप्स, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एलिप्स, स्ट्रेट वर्टिकल एलिप्स एंड सर्कल आर ऑब्जर्व फॉर 90 डिग्रीज ओरिएंटेशन, राइट। लेकिन एलिप्स से सर्कल कब चेंज होगा? जब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। हमने जो पैटर्न बताए थे वो सेम मैग्नीट्यूड के लिए थे, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसने VXM और VYM लिए हुए हैं, तो पैटर्न की शेप थोड़ी कंप्रेस या एलोंगेट हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो दिस इज 90 डिग्रीज, इजंट इट सो? इसको देखो पैटर्न को ध्यान से, काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है लेकिन शेप 90 से 180 वाली है, इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में ये क्या हो गया फेस डिफरेंस? 90, दिस इज 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज, 90 से 180 मतलब 360 माइनस 90, 360 माइनस 180, 8.20, 90 से 180 से 270 वाला होगा, नहीं काउंटर क्लॉकवाइज है तो 90 से 180, ओके, 180 डिग्रीज टू 270 डिग्रीज, क्लियर एवरीबॉडी? क्लॉकवाइज में ये शेप मिलता है आपको 90 से 180 के बीच में, और 360 माइनस 90 इज 270, 360 माइनस 180 इज 180, सो 180 से 270, सो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? सो दिस इज 1, पाई बाय 2 इज 5, 180 टू 270 इज 6 एंड दिस इज 4, 1564, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? तो ये गेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये पैटर्न्स पता होने चाहिए यार, वाई एक्स मोड पे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने वाले विद सेम फ्रीक्वेंसी इनपुट्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आप लोगों ने निकाल भी दिया था तो सही है। नेक्स्ट, अ सीआरओ इज ऑपरेटेड विद एक्स एंड वाई सेटिंग्स ऑफ 0.5 मिलीसेकंड्स पर सेंटीमीटर एंड 100 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। The screen of the CRO is 10 × 8 cm² x and y. A sine wave of frequency 200 hertz and RMS amplitude of 300 millivolts is applied to the y input. The screen will show option A, 1 cycle of the undistorted sine wave, 2 cycles of the undistorted sine wave, 1 cycle of the sine wave with clipped amplitude, 2 cycles of the sine wave with clipped amplitude. कमा बताइए, गुड इवनिंग शिवा, आई नीड आंसर्स इन द लाइव चैट। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, सीआरओ की एक्स एंड वाई सेटिंग्स दी हुई है आपको और सीआरओ की स्क्रीन दी हुई है आपको, राइट, 10 cm × 8 cm एक्स एंड वाई, राइट, राइट, सो दिस इज योर 10 cm and this is your 8 cm, isn't it so? First of all, the x axis setting is milliseconds and y axis settings is millivolts. इसलिए इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम yt मोड पे काम कर रहे हैं,
हम YT मोड पे काम कर रहे हैं, हम YX मोड पे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इमेज प्लॉटिंग मोड पे काम कर रहे हैं, पैटर्न जनरेशन मोड पे काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और जिसका RMS एम्पलीट्यूड 300 मिलीवोल्ट्स है, ये सेम अप्लाइड इनपुट आपको CRO की स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि वो किस तरीके से दिखेगा। ये CRO की स्क्रीन है, अच्छा 10 सेंटीमीटर इसका स्ट्रेच है पूरा एक्स एक्सिस पे, और सेटिंग क्या है 0.5 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये पूरा, दिस इज 0.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स। ये पूरा 5 मिलीसेकंड्स है, इसको 2.5 डिवाइड कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ये 8 सेंटीमीटर है और 100 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब वाई एक्सिस इज 8 इंटू 100, दिस इज 800 मिलीवोल्ट्स, इजंट इट सो, दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जो आपने वाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे या जो आपने वाई इनपुट लगाया है उसके बारे में उन्होंने आपको दिया हुआ है, वाई इनपुट जो है वो एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 by f that is equal to 1 by 200, that is equal to what, this is equal to 5 milliseconds, isn't it so, one cycle is one time period, और x axis का जो stretch है वो भी 5 milliseconds ही है, इसका मतलब one cycle आपको visible है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। और जो y input आपने apply किया है उसका RMS क्या है, VRMS is basically 300 millivolts, 300 millivolts, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो Y स्ट्रेच है वो 800 millivolts का है, इसको देख लो ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस साइन वेव है, therefore you can say VM by root 2 is 300 millivolts, 300 ही है ना वो, हाँ। Therefore, you can say, what is V peak to peak? V peak to peak is twice into Vm. That is equal to 2 into 300 into root 2. That is equal to 600 root 2 millivolts. देखो ये value कितनी है? 848.5 है. 848.5 millivolts है. Which is greater than 800 millivolts, ठीक है ना। V peak to peak निकाल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या हो गया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग, क्या मतलब हो गया इसका, आपका जो Y axis है उसमें maximum 800 millivolts तक की ही allowable limit है, लेकिन जो आपका V peak to peak है आपको पूरी cycle दिखेगी, एक पूरी cycle तो दिख रही है आपको क्योंकि X axis का जो stretch है वही इस Y input का time period है, लेकिन जो इसका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है वो आपके वाई एक्सिस के स्ट्रेच से ज़्यादा है, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू आपकी क्लिप हो जाएगी, ये एक अनडिस्टॉर्टेड वेव नहीं है, ये क्लिप हो जाएगी, मतलब अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सपोज इट क्रॉसेस लाइक दिस, सो यू विल ऑब्जर्व लाइक दिस, so what you will see on the screen, you will see this, this is visible, this, ये तो देखो इसमें कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। You will observe one cycle of the sine wave with clipped amplitude, right? क्योंकि ऊपर का ये ज़्यादा हो गया ना, ये clipped हो गया क्योंकि 800 millivolt से बाहर निकल गया वो। So you will observe one cycle of the sine wave with clipped amplitude, right? So this much amount of basics of YT mode and YX mode must be known before attempting questions on CRO, right? So ये आपको पता होना चाहिए, clear? चलो good. तो ये बेसिक नॉलेज है, ओके। मूविंग अहेड लेट अस डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स,
सम प्रॉब्लम्स ऑन डिजिटल मीटर्स, राइट। तो बेसिकली आपको जो डिस्कशन करना है वो डिजिटल मीटर के डिस्प्ले पे करना है मेजरमेंट्स में। इसका जो थ्योरेटिकल वर्किंग है वो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, एडीसी और डीएसी में, राइट। सो इसका जो डिस्प्ले है वो मेजरमेंट्स का पार्ट है, उसको हम एक फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवाइज करेंगे। जो डिजिटल मीटर होते हैं आपके, अभी तक आपने एनालॉग मीटर्स पढ़े हैं, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, डिजिटल मीटर की जो फॉर्म है डिस्प्ले करने की वैल्यूज को, वो एन पी बाई क्यू है। इस चीज़ को ध्यान से समझते रहना क्योंकि लोग इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक फुल डिजिट डिस्प्ले और फ्रैक्शनल डिजिट डिस्प्ले को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को कि जो डिस्प्ले होता है डिजिटल मीटर का वो एन पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिस्प्ले इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब जो स्टार्टिंग में एन लिखा हुआ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एन है, और जो पी बाई क्यू फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन है, और वो आपकी डिस्प्ले की पहली डिजिट है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ फुल डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, इसका मतलब जो एन टर्म लिखी हुई है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एन है और वो डेसिमल बेस पे है, मतलब इसलिए 0 to 9 तक उसकी रेंज हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो पी बाई क्यू लिखा हुआ है दैट इज वन फ्रैक्शनल डिजिट रेंजिंग फ्रॉम 0 to p, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फुल डिजिट्स हैं उनका बेस जो है वो डेसिमल बेस पे है, दैट इज 10, एंड जो आपकी फ्रैक्शनल डिजिट है उसका जो बेस है दैट इज बेस इज इक्वल टू क्यू, राइट, एंड दिस डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिस्प्ले। फर्स्ट डिजिट ऑफ डिस्प्ले अगर ऐसा डिस्प्ले है तो, और अगर इसका बेस क्यू है तो आप बोल सकते हो क्यू इज इक्वल टू पी प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं थोड़ा बताऊं इसमें, इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रैक्शनल डिजिट इंक्रीजेस रेंज ऑफ मीटर्स नोन एज ओवर रेंजिंग। तो आपका जनरल जो डिजिटल मीटर है वो एन डिजिट डिस्प्ले है, सपोज 3 digit डिस्प्ले है या 4 digit डिस्प्ले है, अगर आपने उसमें पी बाई क्यू डिजिट डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस कर दिया तो बेसिकली आपका एक फुल डिजिट डिस्प्ले का रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कैसे बढ़ता है वो अभी आपको दिख जाएगा। तो अगर हम ये थोड़ा सा इसको बता दें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4, 5 by 6 डिजिट डिस्प्ले, ऐसा डिस्प्ले है, तो बेस्ड अपॉन द डिस्कशन वी जस्ट नाउ हैड, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी डिस्प्ले में, 4 plus 1, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, राइट। आपको पता है ये जो 5 by 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये पहली डिजिट है आपके डिस्प्ले की, और ये मैक्सिमम कितना दिखा सकती है, पी तक। What is P? That is 5, ठीक है ना। तो मतलब ये वैल्यूज दिखा सकती है 0 to 5 तक, बाकी बची हुई जो 4 digits हैं वो फुल डिजिट्स हैं, वो दिखाएंगी आपकी 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, ये मतलब होगी लाइक दिस। सो P by Q इज फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट, फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिस्प्ले, और यू कैन से वन फ्रैक्शनल डिजिट रेंजिंग फ्रॉम 0 to p, Q इज इक्वल टू पी प्लस वन, द बेस इज Q, एंड फॉर फुल डिजिट्स द बेस इज 10, दैट इज डेसिमल बेस, ठीक है। तो आप खुद देखो ना, यहाँ से आपके पास अगर 4 digit डिस्प्ले था पहले तो इतना सा मीटर था आपका, आपने ये 5 by 6 डिजिट डिस्प्ले को फुल डिजिट डिस्प्ले में ऐड कर दिया तो आपकी मीटर की रेंज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अब ज़्यादा वैल्यू मेजर करने के कैपेबल हो गया वो, ठीक है ना। इसी को ओवर रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस मैं इसलिए इस चीज़ को इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कंपैरिजन में करे जाएंगे, मतलब बेसिक मॉडल जो है वो फुल डिजिट डिस्प्ले है, उसमें फ्रैक्शनल डिजिट को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हमारे मीटर की रेंज बढ़ जाए, दैट इज द मीनिंग। रेजोल्यूशन दोनों का सेम रहता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं 3 digit डिस्प्ले का और 3.5 digit डिस्प्ले का, आप 4 या 4.5 digit भी ले सकते हो। ये 3 digit डिस्प्ले ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा आपके पास, इसका मतलब 3 digit है, मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू 3 है। इस फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़ते रहना, n इज इक्वल टू थ्री है, मतलब तीनों ही फुल डिजिट्स हैं, तीनों ही डेसिमल बेस पे हैं, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, ठीक है। n इज नंबर ऑफ फुल डिजिट्स, 0, 0, 0 से आपकी काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग जाएगी 9, 9, 9 तक। तो यहां तक काउंट्स करने में कितने काउंट्स लगेंगे आपको, 10 to the power 3, that is equal to 1000,
ठीक है, डेसिमल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। डेसिमल की अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको 000 से 999 तक जाना है तो कितने काउंट्स लगेंगे? 1000। इसका फॉर्मूला हो गया 10^n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फुल डिजिट्स। ठीक है, सिंपल। मैक्सिमम डिस्प्ले इन फुल रेंज, अगर मैं फुल रेंज पे काम कर रहा हूं तो मैक्सिमम डिस्प्ले आपका 3-डिजिट डिस्प्ले क्या दिखा सकता है आपके अकॉर्डिंगली? 999। सिंपल। अगर सपोज मैं 1000 वोल्ट रेंज पे काम कर रहा हूं तो मैं 999 मैक्सिमम इस पर्टिकुलर मीटर से देख सकता हूं। अगर मैं कम रेंज पे काम कर रहा हूं तो मैं 99.9 देख सकता हूं, उससे कम रेंज पे काम कर रहा हूं तो 9.99 देख सकता हूं, अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? तो और 999 तक जाने में कितने काउंट्स लगेंगे? 10^3, दैट इज 1000। सिंपल। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज 1/10^n, वेयर n इन दिस केस इज इक्वल टू 3, राइट? इट कुड बी एनी अदर मीटर, सो रेजोल्यूशन इज 1/10^n। ये बेसिक रेजोल्यूशन हो गया, अभी रेंज के अकॉर्डिंगली बताएंगे। रेंज वी मैक्स है, ठीक है ना? वी मैक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सपोज हम डीवीएम पे काम कर रहे हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर पे, तो रेंज वो है जो आपने डेसिमल सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट करी हुई है। आपको एक मल्टीमीटर के बारे में आइडिया है ना, डिजिटल मल्टीमीटर होता है, तो उसमें एक वोल्ट मीटर, अगर मैं एक वोल्ट मीटर सेक्शन ले रहा हूँ तो 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ऐसे कर करके आप सिलेक्शन नॉब को चेंज करते हो, तो ये वही वी मैक्स है। मतलब अगर आपने 10 वोल्ट पे रखा हुआ है सिलेक्शन नॉब को, तब आपका बेसिकली कह सकते हो आप 9.99 तक आप मैक्सिमम मेजर कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन नॉब को 100 वोल्ट पे ले आए तो 99.9 तक मैक्सिमम मेजर कर सकते हो। तो मैं यहां पर उस वी मैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। रेजोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर रेंज इज गिवन बाय रेंज अपॉन स्केल, दैट इज इक्वल टू रेंज अपॉन काउंट्स, विच इज गिवन बाय वी मैक्स अपॉन 10^n। मेक सेंस? ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, ध्यान से समझते रहो, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रिलेशन का, कंपैरिजन का। रेजोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर रेंज इज रेंज अपॉन स्केल, दैट इज रेंज अपॉन काउंट्स, दैट इज वी मैक्स अपॉन 10^n। ठीक है, ओके। अभी देखना, कंपैरिजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां तक अभी हमने स्टडी करी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स कितने गए, मैक्सिमम रेंज कितना दिखा सकता है वो, ठीक है ना, और हाउ द रेजोल्यूशन इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर रेंज। हर रेंज के लिए आपका रेजोल्यूशन बदल जाएगा, लेकिन बेसिक रेजोल्यूशन इज 1/10^n, ठीक है ना? प्लीज वॉच दिस केयरफुली, देन यू विल अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया बेसिकली, कि मैं एक 3-डिजिट डिस्प्ले में एक 1/2-डिजिट डिस्प्ले मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बात मुझे पता है कि रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, अब ये 3.5-डिजिट डिस्प्ले है, मतलब n की वैल्यू आपकी 3 है, p की वैल्यू आपकी 1 है, q की वैल्यू आपकी 2 है। आपका जो बेसिक डिजाइन था वो 3-डिजिट डिस्प्ले था, लेकिन अब मैंने इसमें फ्रैक्शनल डिजिट को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना? तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिजिट जो होती है, जो ये 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी पहली डिजिट है, और इसको इंट्रोड्यूस करने से आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो पहली डिजिट है तो या तो ये 0 दिखा सकता है या 1 दिखा सकता है, मतलब 0 से पी तक दिखा सकता है, तो पी 1 है, तो 0 या 1, एक एक करके बढ़ेगा, आपका बाइनरी बेस पे हो गया बेसिकली, ठीक है? और बाकी जो फुल डिजिट्स हैं वो आपकी डेसिमल बेस पे हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डिस्प्ले में? तो टोटल डिजिट्स इन डिस्प्ले इन दिस केस इज इक्वल टू एन प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4, तो यहां दिख रहा है आपको, ठीक है? और पहली डिजिट मैक्सिमम 1 दिखा सकती है, बाकी की जो तीनों डिजिट्स हैं वो मैक्सिमम 9 दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, कि अब आप देखो 0000 से 1999 तक जाने में हमें कितने काउंट्स लग रहे हैं? अगर कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो 2000 काउंट लगते हैं कि नहीं लगते? उसको आप एक जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स इज क्यू इंटू 10^n। वॉट इज क्यू इन दिस केस? दैट इज इक्वल टू 2। 10^n, वॉट इज n? n इज नंबर ऑफ फुल डिजिट्स, दैट इज इक्वल टू 3। So 2 × 10^3, that is 2000, make sense? 000 से 1999 तक जाने में 2000 काउंट लगते हैं। What is maximum display in full range according to you? अगर suppose मैं इस 3.5-digit display को इसकी full range पे चला रहा हूँ, तो ये कितना maximum display मुझे दे सकता है? ये मुझे दे सकता है, पहली digit 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, 1999। Clear? अब देखो, अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 3-डिजिट डिस्प्ले में अगर मैंने 1/2-डिजिट को इंट्रोड्यूस किया तो बताओ मीटर की रेंज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई।
अगर हम मैं इसको 2000 वोल्ट की रेंज पे चला रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम 1999 तक मेजर कर सकता हूँ, ठीक है ना। इफ़ आई एम ऑपरेटिंग दिस ऑन 200 वोल्ट रेंज आई कैन मेजर 199.9। इफ़ आई एम ऑपरेटिंग दिस मीटर फॉर 20 वोल्ट रेंज आई कैन मेजर 19.99 अकॉर्डिंगली। दिस इज़ हाउ दी पोजिशन ऑफ डेसिमल वेरीज, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कंपैरिजन के फॉर्म में दिया होता है तो आपको जज करना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी क्लियर हो जाएगा, दैट इज दैट मेक सेंस। रेजोल्यूशन इज अगेन 1/10^n। जस्ट लिसन केयरफुली, रेंज क्यू इन टू वी मैक्स हो गया कि नहीं हो गया, इस बात को ध्यान से देखो। ये वी मैक्स वही मैक्सिमम रेंज है जो 3-डिजिट डिस्प्ले पे हमें मिला था। अगर मैं बोलूं कि मैं 999 तक मेजर कर पा रहा था, इसका मतलब मैं अगर 1000 वोल्ट पे काम कर रहा था तो मैं 999 तक मैक्सिमम मेजर कर सकता था, लेकिन मैंने हाफ डिजिट इंट्रोड्यूस करी तो अब मैं 2000 तक मेजर कर सकता हूँ। तो क्या आपकी रेंज क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होगी, बताओ। बिकॉज क्यू इज इक्वल टू 2, सो इफ दैट वॉज 1000 देन 2 × 1000 इज 2000, सो इन 2000 रेंज आई कैन मेजर अप टू 1999 नाउ। इज इट क्लियर और नॉट? तो इट इज अ कंपेरिजन, ठीक है ना। रेंज आपकी डबल हो गई इस केस में। अगर आपका सपोज ये 3 3x4 डिजिट डिस्प्ले हो जाता तो आपकी रेंज 4 टाइम्स हो जाती। यहां पर मैंने हाफ डिजिट का इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया आपका। अब पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, निकल करके देखो। रेजोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर रेंज इज एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड स्केल। अब देखो, आपका स्केल भी एक्सटेंड हुआ है और रेंज भी एक्सटेंड हुई है, और स्केल एक्सटेंड हुआ है मतलब काउंट्स एक्सटेंड हो गए। एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड स्केल दैट इज इक्वल टू एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड काउंट्स। कैन आई राइट दिस और नॉट? एक्सटेंडेड रेंज इज क्यू इंटू वी मैक्स एंड एक्सटेंडेड काउंट्स आर क्यू इंटू 10^n। जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम, सो इट अगेन कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू। सो वॉट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रैक्शनल डिजिट इन अ फुल डिजिट डिस्प्ले इंक्रीजेज द रेंज ऑफ द मीटर, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ द मीटर, बट द रेजोल्यूशन रिमेन सेम। इज इट अ प्रूवन फैक्ट और नॉट? ये बात समझ में आती है आपको कि रेजोल्यूशन मैं एक पर्टिकुलर रेंज के लिए लिख रहा हूँ, एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड स्केल, ठीक है ना। तो दोनों ही क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए तो रेजोल्यूशन सेम रहा लेकिन रेंज बढ़ गया, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज यू विल नॉट फॉलो, ठीक है। तो ये पॉइंट आया हमें समझ में। तो ये आपको, अगर अगर आपकी अप्रोच ऐसी है कि आपको लगता है कि सर ये बातें छोड़ो हमें फॉर्मूला बताओ, तो ये फॉर्मूला है। और ये अपने आप में डिजिटल मीटर का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस करके अभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको एक 3 और 3.5 डिजिट डिस्प्ले को कंपेयर करके समझा दिया, ठीक है, मेक सेंस। चलो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अ 3.5 डिजिट डिजिटल मल्टीमीटर, ये DMM डिजिटल मल्टीमीटर कैन डिस्प्ले अ मैक्सिमम ऑफ, ये कितना मैक्सिमम डिस्प्ले कर सकता है? आंसर्स इन द लाइव चैट प्लीज। अ 3.5 डिजिट DMM कैन डिस्प्ले अ मैक्सिमम ऑफ, व्हाट वैल्यू मैक्सिमम इट कैन डिस्प्ले? दिनेश जस्ट बी पेशेंट, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। 3.5 डिजिट DMM, कितनी डिजिट्स हैं इस डिस्प्ले में? n+1 दैट इज इक्वल टू 3+1 दैट इज 4, ऐसे 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 ऐसे। अभी उसने रेंज को स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस रेंज पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कोई भी रेंज ले सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, राइट, क्योंकि ये रेंज जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेसिमल की पोजीशन डिसाइड हो जाएगी। समझ गए कि बात को कि नहीं? देखो, ये पहली डिजिट है 0 और 1, 0 to 9 0 to 9 0 to 9, यही फ्रैक्शनल डिजिट डिस्प्ले का मतलब होता है। तो इस केस में क्या है हमारा, n की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 2 है। 0 से p तक मैक्सिमम दिखा सकती है पहली डिजिट, दैट इज 1। सो व्हाट डिस्प्ले मैक्सिमम कैन अकर, दैट इज 1999। 2000 काउंट लगेंगे यहाँ तक जाने में, ठीक है ना। डेसिमल कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन काउंट 2000 ही लगेंगे मैक्सिमम जाने में, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट मैक्सिमम इट कैन डिस्प्ले, ये तो नहीं हो सकता यार, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, यही सही है हमारा मतलब।
उसने आप 2 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा होगा, 2 वोल्ट रेंज पे. सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी. दिस डिस्प्ले कैन हैपन 1.999 इट कैन डिस्प्ले, राइट. सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्ले इन 2 वोल्ट रेंज, यू कैन से. ठीक है, और 2 वोल्ट का बेसिक अगर आप 3 डिजिट डिस्प्ले में जाओ तो 1 वोल्ट हो गया हो, लेकिन वो 1 वोल्ट इंटू क्यू करके 2 वोल्ट बना होगा. ठीक है, चलो कंफ्यूज मत करो, अभी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं. अ 3.5 डिजिट डिजिटल वोल्टमीटर हैविंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 100 मिली वोल्ट्स कैन बी यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट्स. एनीबॉडी इसको सॉल्व करो. 3.5 डिजिट डिजिटल वोल्टमीटर है, 3 फुल डिजिट है, 1 फ्रैक्शनल डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई डिस्प्ले में, 4. इसका रेजोल्यूशन 100 मिली वोल्ट्स है, व्हाट मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर. तो क्या आपको तो फॉर्मूला पता ही है. देखो रेजोल्यूशन में कंफ्यूज मत होना, रेजोल्यूशन 3 डिजिट डिस्प्ले और 3.5 डिजिट डिस्प्ले का सेम रहेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन फुल डिजिट्स पर डिपेंड करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ फुल डिजिट्स, राइट, वेयर एज रेंज कैन मैटर. ओके, सो आई कैन सिंपली से रेजोल्यूशन इज इक्वल टू, दिस इज अ फ्रैक्शनल डिजिट डिस्प्ले, ठीक है ना, वेयर फोर नंबर ऑफ डिजिट्स 3+1, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4 इन द डिस्प्ले. सो रेजोल्यूशन इज एक्सटेंडेड रेंज. और यही पूछ रहा है वो, मैक्सिमम वोल्टेज एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड स्केल. ठीक है, दैट इज यू कैन से वी मैक्स 3.5 डिजिट डिस्प्ले का, और एक्सटेंडेड स्केल क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड नंबर ऑफ काउंट्स, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 10^n. देयरफॉर वी मैक्स 3.5 डिजिट डिस्प्ले का कितना हो जाएगा, रेजोल्यूशन तो फुल डिजिट डिस्प्ले का भी उतना ही निकलना था. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 100 मिली वोल्ट्स इंटू क्यू इंटू 10^n. सो दिस इज इक्वल टू 100 मिली वोल्ट्स इंटू, वट इज क्यू, क्यू इज 2, एंड वट आर एन, एन इज इक्वल टू 3. सो दिस इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³. सो दिस इज 200 वोल्ट्स. क्लियर और नॉट, दिस इज ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड रेंज अपॉन एक्सटेंडेड स्केल. हमेशा अगर आप चाहते हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस में, तो फुल डिजिट डिस्प्ले और उस फुल डिजिट डिस्प्ले के रेफरेंस पे जो हमने फ्रैक्शनल डिजिट को इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हुए चलोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है ना, नहीं तो आप यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली, यू विल जस्ट सर्च फॉर द फॉर्मूलाज. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल बेसिक था जो मैंने आपको अभी बताया. मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक मॉडल है वो 3 डिजिट डिस्प्ले है. ठीक है, उसमें मैंने 1/2 डिजिट को इंट्रोड्यूस किया तो मेरा रेजोल्यूशन सेम रहा, लेकिन मेरा रेंज बढ़ गया और मेरा स्केल बढ़ गया. ठीक है, स्केल इज काउंट्स बेसिकली. इज इट क्लियर और नॉट, 200 वोल्ट्स इज करेक्ट. गुड, नेक्स्ट. द रेजोल्यूशन ऑफ 4 3/4 डिजिट डीबीएम इन 10 वोल्ट रेंज इज, द रेजोल्यूशन ऑफ 4 3/4 डिजिट डीबीएम इन 10 वोल्ट रेंज इज, इज इट 1 मिली वोल्ट्स, इज इट 10 मिली वोल्ट्स, इज इट 4 मिली वोल्ट्स और 0.001 मिली वोल्ट्स. Come on, everybody can answer this now. फोर 3/4 डिजिट dBm है, मतलब आपका बेसिक जो मॉडल है वो 4 डिजिट dBm है, उसमें आपने 3/4 फ्रैक्शनल डिजिट को इंट्रोड्यूस किया है तो आपका रेंज बढ़ गया होगा. तो 4 3/4 का 10 वोल्ट रेंज का कोई सेंस नहीं है, वो 4 डिजिट का 10 वोल्ट रेंज दिया हुआ है आपको. ठीक है ना,
it means this is 4 3 by 4. What I mean is that n is equal to 4, t is equal to 3, and q is equal to 4. Isn't it so? So what can I say? I can simply say that thoda sa bata deta hu main aapko. Total digits in display, that is equal to n plus 1, that is equal to 4 plus 1, that is 5. Clear? Ab dekho, resolution aapko pata hai, same rehna hai. So they are asking the resolution. Aap is resolution ko kaise nikaloge? ध्यान से देखना इस चीज को. आप रेजोल्यूशन को लिख सकते हो वी मैक्स अपॉन 10 टू द पावर एन, या फिर क्यू इंटू वी मैक्स अपॉन क्यू इंटू 10 टू द पावर एन. इट इज एग्जैक्टली सेम. सो व्हाट आई मीन इज दिस इज वी मैक्स. 4 3 by 4 डिजिट डीवीएम का 10 वोल्ट का रेंज कैसे हो सकता है? वो 10 इंटू 4 होगा, 40 वोल्ट का रेंज होगा, क्योंकि उसकी पहली डिजिट 3 हो सकती है. ठीक है ना? इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? This and this is always compared. If you want to solve correct answers, you should understand this concept. So this is 10 upon 10 to the power. What is this n? This is 4. Ya to aap isko aise likh do, ya fir aap isko likh do 4 into 10 upon 4 into 10 to the power 4. It doesn't make any difference because this will cancel out. So this is 1 upon 10 to the power 3. It is 1 millivolts. Does it make sense or not? Is it clear to everybody? 1 millivolts. बिल्कुल सही है ऑप्शन ए. ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल. ठीक है कि नहीं? तो आप 10 अपॉन 10 टू द पावर 4 निकालो या 4 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 4 निकालो, रेजोल्यूशन इज सेम, वेयर एज रेंज इंक्रीजेस, काउंट्स इंक्रीजेस, स्केल इंक्रीजेस. क्लियर? सो 1 millivolts इज करेक्ट. गुड. Next, how would 0.2347 volts be displayed on 1 volt range in a 4.5 digit DVM? How would 0.2347 volts be displayed on 1 volt range in a 4.5 digit DVM? Is it 0.2347? Is it 00.234? Is it 000.23? Is it 0000.2? How would 0.2347 volts be displayed on 1 volt range in a 4.5 digit DVM? How would you display? Resolution nikal do aap. Resolution is equal to, how can you write? You can write V max upon 10 to the power n, that is equal to Q into V max upon Q into 10 to the power n. So this can be written as 1 volts upon, what is n? N is 4. So that is 10 to the power 4, which is equal to 2 into 1 volts upon 2 into 10 to the power 4. Ultimately, it is 1 upon 10 to the power 4. कैसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना? So this is equal to 0.0001 volts. 1 volt range पे अगर आप काम कर रहे हो, मतलब 4.5 digit के लिए वो 2 volt का range हो गया, तो resolution कितना है? 0.0001 volts. What difference it makes? 3. What are the number of digits in the display? 4 plus 1. This is 5. So the problem is, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका decimal कहाँ पर आएगा. तो आप resolution निकाल दो, या फिर simple सी बात है 1 upon 10 to the power n into range. Range into resolution का product निकाल दो. Basic resolution 1 upon 10 to the power n into range, that is Vmax. Resolution एक particular range के लिए हो गया आपका, Vmax upon 10 to the power n full digit के लिए. ठीक है ना? तो कितना आ गया वो? 0.0001. तो कितनी डिजिट्स हैं आपकी डेसिमल के बाद? 4. तो कहां आना चाहिए आपका डेसिमल? इधर, इधर डेसिमल आना चाहिए. तो वैल्यूज कैसे एंटर हो जाएंगी? 2
3, 4, 7 ऑप्शन ए सही है आप। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि 0.2347 का जो ये वोल्टेज है ना, ये 1 वोल्ट की रेंज का ही वोल्टेज है। अगर आप रेंज बढ़ा दोगे ना, फॉर एग्जांपल यू इंक्रीज द रेंज, आपने डेसिमल सिलेक्टर स्विच को आप 10 वोल्ट पे ले आए, तो क्या करेगा वो वैल्यूज को खाना शुरू कर देगा पीछे से, ठीक है ना। क्योंकि अब आप 10 वोल्ट पे अगर आप इसको लेके आओगे तो 10 upon 10^4 करोगे तो 0.001 आएगा, तो डेसिमल की पोजीशन आगे हो जाएगी, तो यू विल गेट 0.0234। इफ यू फर्दर इंक्रीज द रेंज 100 वोल्ट पे ले आए तो 0.0023, ठीक है ना। अगेन यू इंक्रीज द रेंज, इट इज 0.0002। इसका मतलब जो बाकी बी सी और डी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो बढ़ी हुई रेंज के लिए हैं, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट और 1000 वोल्ट के लिए हैं, लेकिन 1 वोल्ट के लिए आपको 0.2347 दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस रेंज का वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो, अगर आप डेसिमल सिलेक्टर स्विच को भी उसी रेंज पर रखोगे तो आपको मैक्सिमम प्रिसीजन मिलेगा। प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा मिलेगी मतलब उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी आपको। तो यही रिकमेंडेड होता है कि जिस रेंज का वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो आप डेसिमल सिलेक्टर स्विच को भी वहीं पर रखो ताकि आप करेक्ट वैल्यू को मेजर कर पाओ, ठीक है ना। 0.2347 इज मोर प्रिसाइज देन 0.234। आई होप यू नो दिस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक समझे हैं। दैट इज एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिजिटल मीटर, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन जो होता है डिजिटल मीटर का, वो ऐसा होता है कि टोटल एरर इज एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू रीडिंग प्लस एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू नंबर ऑफ काउंट्स। तो स्पेसिफिकेशन इस फॉर्म में दिया रहता है कि जैसे जैसे वैल्यू काउंट होती है ना, तो उसकी वजह से भी एक एब्सोल्यूट एरर अराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से वो दे देते हैं। इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझ लेते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है। अ 4.5-digit DMM has error specification as, this is plus minus 0.2% of reading plus 10 counts. If a DC voltage of 100 volt is read on its 200 volt full scale, the maximum error that can be expected in the reading is plus minus 0.1%, plus minus 0.2%, plus minus 0.3%, plus minus 0.4%. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 4.5-digit DMM का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 4+1 दैट इज 5, फ्रैक्शनल डिजिट का इस्तेमाल किया, इसीलिए ही 100 वोल्ट की रेंज 200 वोल्ट बन गई, ठीक है ना। Q टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया रेंज बेसिक फुल डिजिट डिस्प्ले से, ठीक है। तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर के से घबराना नहीं है। मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर है टॉलरेंस लिमिट्स, दिस, ठीक है। तो व्हेन यू आर मेजरिंग 100 वोल्ट्स ऑन 200 वोल्ट फुल स्केल, दिस एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन इज गिवन टू यू, दिस एरर स्पेसिफिकेशन इज गिवन टू यू, राइट, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू रीडिंग प्लस एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू काउंट्स। इसका मतलब ये जो है 0.2% ऑफ रीडिंग, ये डेल आर है, और ये एब्सोल्यूट एरर आपका काउंट्स की वजह से आता है, डेल सी, राइट। So you can say total absolute error is absolute error due to reading plus absolute error due to counts. आप किस रीडिंग को मेजर कर रहे हो, 100 volts को, तो absolute error कितना हो जाएगा, that is equal to 0.2 upon 100 into 100. So this is equal to 0.2 volts. इतना absolute error आपको रीडिंग की वजह से मिलेगा, 0.2 volts, because of any intrinsic cause may be 0.2% of reading. और साथ ही साथ जब आप वैल्यू को काउंट कर रहे हो तो 10 काउंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है, ठीक है ना। और किस स्केल पे काम कर रहे हो आप, 200 वोल्ट पे, फुल स्केल पे। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, आपको पता है कि 200 वोल्ट फुल स्केल पे जाने के लिए कितने काउंट्स लगते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 10^n, इजंट इट, दैट इज इक्वल टू 2 × 10^4, इजंट इट। से क्यू आपका 2 है, n इज इक्वल टू 4 है, so that is equal to like this. इसका मतलब क्या हो गया, रेजोल्यूशन, एक टाइप से रेजोल्यूशन की फॉर्म से भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया। तो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि 20,000 काउंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली, दिस इज 200 volts, तो 10 काउंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली हाउ मच अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन volts इज एसोसिएटेड, दिस इज 200 अपॉन 20,000 into 10, so this is equal to
0.1 वोट्स एंड दिस इज योर डेल सी, ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर किया क्या है, वी मैक्स आपका कितना था, 200 था, मतलब क्यू इंटू वी मैक्स दिया हुआ है यहाँ पर वो, अपॉन 20,000 किया, यू गेट रेजोल्यूशन फॉर 200 वोल्ट रेंज इंटू 10, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको रेजोल्यूशन मिल गया, इंटू 10 कर दिया तो आपको काउंट्स में वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.1 वोल्ट्स। तो आप, मैंने आपको दूसरे फॉर्म में समझा दिया कि 20,000 काउंट्स इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 200 वोल्ट फुल स्केल है, तो 10 काउंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना एब्सोल्यूट एरर, दैट इज 0.1। तो कितना हो गया अब आपका एब्सोल्यूट एरर, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर टोटल इज एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू रीडिंग प्लस एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू काउंट्स, दैट इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट्स। देयरफॉर V reading is equal to 100 plus minus 0.3 volts. इसको आप 100 plus minus 0.3% भी लिख सकते हो, ठीक है। So what is your answer? It is C, plus minus 0.3%, ठीक है। I hope this makes sense. ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई बहुत फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ बेसिक फुल डिजिट डिस्प्ले और फ्रैक्शनल डिजिट डिस्प्ले का कंपैरिजन है, कैसे रेंज बढ़ गया, कैसे काउंट्स बढ़ गए, कैसे एरर निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ये 2002 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अ 3.5 डिजिट मल्टीमीटर हैज एन एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ 0.5% ऑफ रीडिंग प्लस 5 काउंट्स। The value of an unknown resistance is read as 50 ohms on the 200 ohm scale of the meter. What is the value of the resistance? Representation पूछ रहा है resistance का, 50 plus minus 0.25, 50 plus minus 0.5, 50 plus minus 0.75, 50 plus minus 1. ये plus minus में थ्री एंड हाफ डिजिट मल्टीमीटर है, n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2, मतलब n प्लस 1, फोर डिजिट्स इन द डिस्प्ले, 0.5% ऑफ द रीडिंग, व्हाट इज द रीडिंग, रीडिंग इज 50 ओम्स ऑन 200 ओम फुल स्केल, ठीक है ना। एक मल्टीमीटर है जिसको आपने ओम मीटर सेक्शन में रखा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस को मेजर कर पा रहे हो आप। आपको पता है एक मल्टीमीटर में वोल्टमीटर सेक्शन, एमीटर सेक्शन और ओम मीटर सेक्शन तीनों होते हैं, ठीक है ना। तो 200 ओम फुल स्केल पे आप काम कर रहे हो एंड यू आर रीडिंग 50 ओम्स, सो व्हाट इज योर एब्सोल्यूट एरर ड्यू टू रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 0.5% ऑफ 50 ओम्स, सो दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 100 इनटू 50, so that comes out to be 0.25 ohms. Find out everybody, it is 0.25 ohms, ठीक है। और 200 ohm full scale पे आप काम कर रहे हो, so what does it mean, it means q into 10 to the power n counts are corresponding to 200 ohm full scale, ये आपको पता ही है। 200 ओम फुल स्केल तक जाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स लगेंगे, दैट इज क्यू इंटू 10 टू द पावर एन, इट मींस देयरफॉर यू कैन से 2 इंटू 10 टू द पावर 3 हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 200, सो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ओमिक वैल्यू फॉर 5 काउंट्स, इट इज सिंपली लाइक दिस, मतलब सिंपली रेजोल्यूशन इंटू काउंट्स का प्रोडक्ट हो गया इंटू 5, so this comes out to be 0.5 ohms. This is your del R, del RC, this is del RR, ठीक है, यहीं से पता चल गया आपका। Therefore, total absolute error is equal to absolute error due to reading plus absolute error due to counts, so this is equal to 0.25 plus 0.5, this is equal to 0.75,
So what is your resistance? Resistance is 50 plus minus 0.75 ohms. इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी लिख सकते हो एंड में आप 50 प्लस माइनस 0.75 अपॉन 50 इनटू 100. सो दिस इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 1.5% ओम्स. दिस एंड दिस आर करेक्ट. ठीक, तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में है तो ऑप्शन सी सही है आपका. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? क्लियर है? एक बार लाइव चैट में बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं डिजिटल मीटर्स के. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. उसके भी कुछ फास्ट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स, कुछ नेसेसरी फॉर्मूलास और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और फिर आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हैं और आपको रिवीजन के साथ छोड़ देते हैं. अब आपको रिवीजन करना है और रिलैक्स रहना है बस. राइट, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं और जो फॉर्मूलास देखने हैं उसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है. ठीक है ना, आप इसको एक स्टैंडर्ड टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलास. टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट और जो टर्म्स मैं यहां लिखूंगा उसी टर्म्स में मैं फॉर्मूलास लिखवा दूंगा आपको. कुछ फॉर्मूलाज हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के, वो आप रिमेंबर कर लीजिए बस. दिस इज योर वी वन, आर वन, एक्स वन, आई वन, आई टू डैश, आई टू, आर टू, एक्स टू, वी टू, ई टू, E1, N1 is to N2, I0, R0, IW, IMU, X0. ठीक है, ये आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है. ये मैंने यहां पर क्यों बनाया, क्योंकि इसी टर्म्स के अकॉर्डिंगली मतलब I2, I2 डैश, I0, I1, IMU, IW इसी के रेफरेंस पे मैं कुछ फॉर्मूलाज हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के जो आप एज इट इज रिमेंबर कर लीजिए. उस पर कुछ क्वेश्चन वैसे तो रेयर है, आप में से किसी ने पूछा भी है सर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को लीव कर सकते हैं क्या, तो अभी तो पॉइंट यही है कि अगर आपने कुछ रिविजन नहीं किया है किसी चीज़ का तो कोई नया टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के लिए दे रहा हूँ उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. राइट, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. फर्स्ट पॉइंट इज नॉमिनल रेशियो और टर्न्स रेशियो, दे आर वन एंड द सेम थिंग. फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर नॉमिनल रेशियो इज गिवन एज रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू एन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. मतलब I2 - I2 इज इक्वल टू N2 - N1. ये चीजें आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है. That is I2 - I2 that is equal to N2 - N1. Remember this. Similarly, nominal ratio or turns ratio for a potential transformer is given as rated primary winding voltage upon rated secondary winding voltage is equal to N, that is equal to number of turns in primary upon number of turns in secondary. E1 - E2 is equal to N1 - N2. Right? Clear? Rated voltage यही होती है. Okay. नेक्स्ट, एक्चुअल रेशियो. एक्चुअल रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिनोटेड एज आर और ए आर. फॉर सीटी और करंट ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल रेशियो इज प्राइमरी फेजर अपॉन सेकेंडरी फेजर
that is equal to actual primary winding current upon actual secondary winding current. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? I1 by I2 is equal to I0 plus I2 dash upon I2. Of course, in phasor form. Clear? ये formula remember करेंगे. Nominal ratio का और actual ratio का. CT पे ज़्यादा focus करेंगे क्योंकि PT आपका exactly वही है जो आप पढ़ते हुए आए हो. Potential transformer. I1 by I2. Like this. सिर्फ उतने ही concepts मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको exam के लिए चाहिए. बाकी तो detailed discussion तो बहुत है इस पर. लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी. I2 by I1 is equal to, आप रिलेट कर सकते हो. मोहम्मद सलीम ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने एग्जैक्टली उसी फॉर्म में बताया. आप देख लो पीछे, ये देख लो, I2 dash by I2 is equal to N2 by I1. वो CT था, वो PT है, ठीक है ना. एक करंट ट्रांसफॉर्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. आप CT पे फोकस करो फिलहाल, PT आप कंपेयर कर सकते हो. आपने जिस भी नॉलेज से पढ़ा है वो सब सही है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने एक्चुअली टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्योंकि मैं I2 डैश, I2, I1, Imu ऐसे टर्म्स यूज करूंगा फॉर्मूलाज में. आपने अगर उसको IC या कुछ और टर्म्स में पढ़ा है तो वो आपकी मशीन्स के ऊपर है. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअल रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर PT पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, that is primary phasor upon secondary phasor, that is actual. आप सिर्फ इतना याद रखो कि phasor है वो और वो आपकी rated है, बस इतना फर्क होना चाहिए. actual primary winding voltage upon actual secondary winding voltage, that is V1 by V2, like this. simple, in simple words, nominal ratio आपका PT में E1 by E2 हो गया, ये आपका V1 by V2 हो गया. nominal ratio CT में आपका I2 dash by I2 हो गया और actual ratio आपका I1 by I2 हो गया, ठीक है ना. इतना अब ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर तो है नहीं, नॉमिनल रेशियो और एक्चुअल रेशियो. इसलिए इन दोनों की वजह से एक रेशियो एरर अराइज हो जाता है. रेशियो करेक्शन फैक्टर एक्चुअल रेशियो अपॉन नॉमिनल रेशियो, दैट इज R/N. रेशियो एरर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो इनटू 100%, ठीक है ना. ये कैलकुलेट करना आना चाहिए और ये सेम उसी नॉलेज से कैलकुलेट हो जाएगा जो आपने अपने मशीन में पढ़ा है, ठीक है. नॉमिनल रेशियो का फॉर्मूला देख लो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके ऊपर, ठीक. फेज एंगल एरर, फेज एंगल एरर थीटा इज द एंगल बाय विच सेकेंडरी करंट फेजर व्हेन रिवर्स्ड डिफर्स इन फेज फ्रॉम द प्राइमरी करंट. जो आप फेजर डायग्राम बनाते हो ट्रांसफॉर्मर का, अगर आप सेकेंडरी करंट को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज लेकर आओगे तब वो प्राइमरी करंट के साथ क्या एंगल बनाता है उसको फेज एंगल एरर बोलते हैं, ठीक है. थीटा इज पॉजिटिव इफ रिवर्स्ड सेकेंडरी करंट लीड्स द प्राइमरी करंट. थीटा इज नेगेटिव इफ रिवर्स्ड सेकेंडरी करंट लैग्स प्राइमरी करंट. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स इट. थीटा इज इक्वल टू IMU cos delta माइनस IW sin delta अपॉन n इंटू I2 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज. ये फॉर्मूला रिमेंबर करिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसी पे क्वेश्चन आया था पहले भी, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू राइट नाउ. IMU इज दी, अब आपको ये सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी जो मैंने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में लिखा था. IMU इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0, दैट इज नो लोड करंट. IW इज आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ I0, नो लोड करंट. N इज दी टर्न्स रेशियो, राइट, दैट इज N2 बाई N1, यू कैन से. I2 is the secondary current. Delta is the angle between the secondary induced voltage E2 and secondary winding current I2. ठीक है, देख लो इस, ये formula आप note down कर लीजिए, ये formula important है. Percentage ratio error and phase angle error, इसका formula important है. ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कर लो, ये क्या कर रहे हो टाइम पास. सलीम आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेना फॉर्मूलाज, मैंने उसी रेफरेंस पे लिखे हैं. जो कुछ आपने टू वाइंडिंग में पढ़ा है वो सब सही है, बस एनालॉजी हो सकता है थोड़ी अलग अलग हो, इस टाइप से लिखा है मैंने, ठीक है. दिस फॉर्मूला इज क्लियर. लेट मी गिव यू सम
देखो, अ 50 हर्ट्ज बार प्राइमरी सीटी हैज अ सेकेंडरी विद 800 टर्न्स. द सेकेंडरी सप्लाइज 7 एम्पेयर करंट इनटू अ प्योरली रेजिस्टिव बर्डन ऑफ 2 ओम्स. द मैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स आर 300. व्हाट इज द फेज एंगल एरर? राइट, इसको मैं कर देता हूं यहां पर. ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको ध्यान रखना. बार प्राइमरी सीटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 1. Number of turns in the primary is 1. Has a secondary with 800 turns. That is N2. Secondary supplies 7 ampere current into a purely resistive burden of 2 ohms. Okay. What does it mean? It means like this. Step up transfer hota hai na ye? Step up transform. Like this. This is the meaning. Okay. So this is N1 is equal to 1, N2 is equal to 800, and this is your I2. This is 7 amperes, and this is R2 that is equal to 2 ohms. Okay? Like this. द मैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स, सेम वही लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे जो आप पढ़ते हुए आए हो. मैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स का मतलब क्या हो गया? N1 इंटू आई म्यू इज इक्वल टू 300 एम्पेयर टर्न्स, राइट? एंड वॉट इज N1? N1 इज इक्वल टू 1. देयर फोर आई म्यू, यही करंट रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्स एस्टेब्लिश करने के लिए. सो दिस इज 300 एम्पेयर्स. I mu is 300 amperes. I2 is given to you. What is N? N is equal to N2 by N1. क्या हो गया ये? बेसिकली नॉमिनल रेशियो है, ठीक है ना? बताया था मैंने पीछे. I2 dash by I2 is equal to N2 by N1. That is equal to N. It is nominal ratio. ठीक है? नीचे देख लो, ये लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, ये देख, ठीक है, दैट इज क्लियर. सो दैट इज इक्वल टू 800 अपॉन 1. दैट इज 800. ठीक है. What is phase angle error? So I mu is there, and this is a purely resistive burden of 2 ohms. ठीक है ना? What does it mean? तो E2 और I2 के बीच का एंगल क्या हो गया? Purely resistive burden. CT में जो आप secondary में load लगाते हैं उसको burden बोलते हैं. Purely resistive burden, it means angle between E2 and I2 is equal to 0 degrees. Isn't it so? Angle between E2 and I2 is 0 degrees. And what is this angle? This is delta. Phase angle error pucha aapse. Therefore, you can say theta is equal to I mu cos delta minus IW sin delta upon N I2 into 180 by 5 degrees. So that is equal to delta 0 degrees hai. So this is I mu upon N I2 into 180 by 5 degrees. Sin 0 to 0 ho gaya, cos 0 1 ho gaya. So that is equal to I mu kitna hai aapka? I mu hai aapka 300. N kitna hai? 800. और I2 दिया हुआ है आपको, दैट इज 7 इंटू 180 बाई 5 degrees. दिस इज योर आंसर. दिस इज 3.069. सो दिस इज 3.1 degrees nearly.
स्क्वायर, तो ये आपका फेज एंगल एरर है। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन ए सही था, 3.1 डिग्रीज नियरली फेज एंगल एरर। ठीक है, तो मैंने वही टर्म्स लिए हैं सारी जो आप पढ़ के आए होंगे, N1, N2, I, mu, IW, डेल्टा 0 डिग्री हो गया, बस सिंपल सी बात ये। क्लियर हो गया? 3.0709 बिल्कुल सही निकाला है सलीम आपने। ठीक है, 3.1 डिग्रीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2004 का। A 50 hertz bar primary CT has a secondary with 500 turns. The secondary supplies 5 ampere current into a purely resistive burden of 1 ohms. The magnetizing ampere turns is 200. Chalo. The phase angle between the primary and secondary current is 4.6 degrees, 85.4 degrees, 94.6 degrees, 175.4 degrees. Second part of the same question, the core flux in the current transformer under the given operating condition is 0. 45 microwebers, 22.5 milliwebers, 100 milliwebers. Find out. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 हर्ट्ज बार प्राइमरी सी टी, N1 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 1, बार प्राइमरी हैज अ सेकेंडरी विद 500 टर्न्स, N2 दिया हुआ है आपको। The secondary supplies 5 ampere current, this is I2, into a purely resistive burden of 1 ohms. The magnetizing ampere turns, what is this value? This is N1 into I mu. The phase angle between primary and secondary current, right? Purely resistive burden, delta is 0 degrees, angle between E2 and I2, right? So phase angle nikal doge aap yahan se. So that is equal to theta is equal to I mu cos delta minus IW sin delta upon N I2 into 180 by pi, delta 0 हो गया तो ये हो गया I mu upon N I2 into 180 by pi degrees। ठीक है, N1 1 है मतलब बार प्राइमरी है, तो I mu कितना हो गया आपका? आई मी हो गया आपका 200 एम्पेयर्स। ठीक है ना, ये एम्पेयर टर्न्स दिया हुआ था। एन आपको पता है, दैट इज इक्वल टू N2 बाय N1 विच इज इक्वल टू 500 बाय 1, दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है बस, और I2 भी आपको पता है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। सो आई मी इज 200 अपॉन 500 एंड व्हाट इज I2, दिस इज 5 इनटू 180 by pi, find this answer in degrees। So option A is correct। Is anybody finding the core flux? Core flux in the current transformer under the given operating condition? Purely resistive burden लग रहा है। ठीक, what is the value? 5 ampere current and 1 ohms. This is 5 ampere. This is your I2 and this is 1 ohms. ठीक है, ये bar primary N1 is 1 and N2 is 500. Yes, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? बाकी सारे losses ignored है। So E2 is equal to V2, that is equal to 5 into 1, that is equal to 5 volts, isn't it so? And what is this E2? This is equal to 4.445 mF N2. Therefore flux is equal to E2 upon 4.44 F N2. So this is equal to 5 volts upon 4.44 into frequency into 500 secondary. You will get this in Webers. This is 4.5 into 10 to the power minus 5. So
So this is nearly 46 micro pebbles. So option B is correct. ठीक, तो फेज एंगल एरर और रेशियो एरर ये पता होना चाहिए. 45 माइक्रो, गुड. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशियो एरर भी आप लोगों को आ जाए प्रैक्टिस निकालनी. चलो सॉल्व करें. 500 बाय 5 50 हर्ट्ज करंट ट्रांसफार्मर हैज अ बार प्राइमरी. The secondary burden is a pure resistance of 1 ohms and it draws a current of 5 amperes. Chalo, theek hai. If the magnetic core requires 250 ampere turns for magnetization, what is percentage ratio error? Dinesh Sharma puch rahe, if burden is not resistive. Dinesh, if burden is not resistive, then delta is not equal to 0 degrees. अगर बर्डन प्योरली रेजिस्टिव नहीं है तो E2 और I2 के बीच का एंगल डेल्टा 0 डिग्रीज नहीं होगा. या तो आपको दिया रहेगा या आप सिंपल सर्किट के हिसाब से देख लेंगे. तो डेल्टा अगर 0 डिग्री नहीं है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, आई म्यू कॉस डेल्टा माइनस आई डब्ल्यू साइन डेल्टा अपॉन एन इन टू आई टू इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज. डेल्टा 0 डिग्री तभी है अगर बर्डन रेजिस्टिव है. कम ऑन सॉल्व दिस. दिनेश, उसमें आई डब्ल्यू भी आएगा फेजर से. हाँ, आई डब्ल्यू बेसिकली आपका वो हो गया ना, कोर लॉस कंपोनेंट हो गया. ठीक है ना, आई डब्ल्यू इज योर कोर लॉस कंपोनेंट, उससे निकालेंगे आप. फाइंड आउट रेशियो एरर. या ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व. रेटेड प्राइमरी अपॉन रेटेड सेकेंडरी, राइट, दैट इज योर नॉमिनल रेशियो. सो नॉमिनल रेशियो इज बेसिकली आई टू डैश अपॉन आई टू, दैट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, दैट इज इक्वल टू 500 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 100. दैट इज अल्टीमेटली योर टर्न्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुला दैट आई गेव यू, राइट, दैट इज योर एन. 50 हर्ट्ज करंट ट्रांसफार्मर हैज अ बार प्राइमरी. बार प्राइमरी मतलब एन वन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 1. ओके, द सेकेंडरी बर्डन इज अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम्स, तो ये आपका आर टू हो गया, एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स. दिस इज योर आई टू, रेटेड करंट इज फ्लोइंग इन द सेकेंडरी, 5 एम्पेयर ही है सेकेंडरी, राइट. इफ द मैग्नेटिक कोर रिक्वायर्स 250 एम्पेयर टर्न्स फॉर मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज दिस? This is basically N1 into I mu, right? That is equal to 250 ampere turns, where N1 is bar primary. Therefore, you can say I mu is equal to 250 amperes. ठीक है? तो यहाँ पर एक approximation हमें लेना पड़ेगा कि हम ये assume कर रहे हैं कि कोई core losses नहीं है. और आपको वैसे भी पता है कि जो नो लोड करंट का मैक्सिमम कंपोनेंट होता है वो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, राइट. अज्यूमिंग आई नॉट टू बी नियरली आई म्यू, आई डब्ल्यू इज नियरली जीरो, देयरफॉर नो लोड करंट इज इक्वल टू आई म्यू, दैट इज इक्वल टू 250 एम्पीयर्स. ठीक है, इतना हो गया. परसेंटेज रेशियो एरर निकालना है आपको, तो परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो इनटू 100%. नॉमिनल रेशियो आप निकाल चुके हो, वेयर नॉमिनल रेशियो इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो, दैट इज इक्वल टू 100. एंड एक्चुअल रेशियो आपको निकालना पड़ेगा. एक्चुअल रेशियो इज बेसिकली आई वन अपॉन आई टू, राइट.
So this is equal to I naught plus I2 dash upon I2. ठीक है, तो ये एक्चुअल रेशियो है. अगर आप ये निकाल दोगे तो रेशियो एरर भी निकाल दोगे. ठीक है, तो व्हाट इज लेफ्ट टू बी फाइंड आउट, व्हाट इज लेफ्ट, ओके आई टू डैश आई कैन फाइंड आउट. व्हाट इज आई टू डैश, दैट इज इक्वल टू एन आई टू, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू आई टू, दैट इज 5, दिस इज 500 एम्पेयर्स, दिस इज आई टू डैश रेफर्ड टू प्राइमरी. ठीक है, तो आई टू डैश भी अब आपको पता है. देखो आप ध्यान से, आपको I2 डैश पता है दैट इज 500 एम्पेयर्स, आपको I नॉट भी पता है दैट इज 250 एम्पेयर्स, और आपको I2 भी पता है दैट इज 5 एम्पेयर्स. तो अगर आप इनको प्रॉपर डायरेक्शन में ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्चुअल रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू नाउ, आई कैन सिंपली टेक फ्लक्स एज द रेफरेंस. सो इफ फ्लक्स इज हेयर, I म्यू इज हेयर, and I mu is my nearly I naught, right? You know that the induced EMFs will come out to be like this, E1 and E2. And as you are having a purely resistive burden, so E2 and I2 are in phase, so it comes out to be like this, 90 degree lag, right? And this is your I2 dash, right? And this angle is 90 degrees. Therefore, what is I1? I1 is basically I naught plus I2 dash, that is equal to under root, angle 90 degree हो गया ना दोनों के बीच में, I naught square plus I2 dash square. So this is equal to 250 square plus 500 square. What is this value? This is 559. Can you find the actual ratio? Actual ratio is this I1. Important concept क्या था यार? Important concept ये था कि I0 और I2 dash को सीधा ऐसे add मत कर देना, ठीक है ना? Because they are sharing an angle of 90 degrees. E1 and E2 आपकी induced EMF है जो flux की वजह से induced हुई है, तो they are lagging 90 degrees. ये आपको पता है transformer से. E2 और I2 phase में है क्योंकि purely resistive burden है, तो I2 dash 180 degree out of phase बनाया मैंने. एंगल 90 डिग्रीज था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बस, राइट. व्हाट इज दिस, दिस इज 559, I2 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 5. ये क्या निकल करके आ रहा है आपका, ये आपका एक्चुअल रेशियो आ रहा है, दिस इज 111.8. इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल नाउ टू फाइंड द परसेंटेज रेशियो एरर? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एक टाइप से. देयरफॉर परसेंटेज ratio error is equal to, what is nominal ratio, that is 100 minus actual ratio upon actual ratio into 100%. So this will come out to be minus of some percentage. This is minus 10.55. ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफॉर्मर्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इसके लिए. इसलिए जनरली हम लोग जब मशीन्स पढ़ाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर मशीन्स में पढ़ाना चाहिए हमें, लेकिन वो उसको मेजरमेंट्स में डाला हुआ है. व्हेन आई टीच मशीन्स, आई टीच इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इन मशीन्स, नॉट इन मेजरमेंट्स. माइनस 10.56 और माइनस 10.5% इज करेक्ट. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? Are you able to find the percentage ratio error and phase angle error? It is important. इसी पे question target किए जाते हैं. बाकी आपको अपने two winding transformer की knowledge अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो कहाँ कहाँ assumptions लिए हैं वो सब मैंने आपको clear बताया कि I naught को I mu माना है क्योंकि magnetizing component is maximum component of no load current. 70-80% यही होता है. ठीक है, I W is zero. Accordingly assumptions के साथ जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत concepts अच्छे हो जाते हैं. So option B was correct. ठीक है, तो I hope these concepts are clear. These are small topics where the pattern of questions can be very rare. ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके के pattern के questions इस topic से पूछे जाते हैं तो वो हमने आपको cover करवाया exam से पहले, right? So thank you very much. Thank you everybody for your time.
Thanks for listening. Thanks for being part of this Umeed Crash Course. Thanks for being patient कि आपने 11:15 तक इस लेक्चर को सुना है. आई होप कि आपने बेनिफिट किया होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करवाए हैं और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है ना. तो आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस. दिस एंड्स द उम्मीद क्रैश कोर्स फॉर मेजरमेंट्स. सिर्फ 5 डेज का एक छोटा सा डिस्कशन था, 10 से 12 आवर्स का. 10 से 12 घंटे में मैंने आपको मेजरमेंट्स का आइडिया दिया है. अगर कोई है जिसका मेजरमेंट्स क्लियर नहीं हुआ था या उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये उम्मीद क्रैश कोर्स डिफाइन किया गया था आप लोगों के लिए. 10 से 12 घंटे का कंटेंट मैं लेकर आया 5 दिन के अंदर. 5 लेक्चर्स हमने कंप्लीट करे हैं. इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पे. आप इन 5 लेक्चर्स को देखेंगे तो मेजरमेंट्स में आपको बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, राइट. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस सेशन. हैव अ गुड डे. हैव अ गुड नाइट. ऑल द बेस्ट टू यू इन एडवांस. थैंक यू.